1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लीं, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। कौन मिलाएगा लव बर्ड्स को? क्या साहिबा हो जाएंगी इमोशनल अपने दोस्त की बेटी के जोरों शोरों से स्वागत करने के बाद? हमारे एवरग्रीन जॉनी लीवर जीते की मदद में लग जाएंगे। साहिबा का एड्रेस जीते के पास ऑलरेडी होगा, जो कि उनके दोस्त ने उन्हें दिया होगा। चर्चा की मदद से जीते साहिबा के घर तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, इसलिए वो काफी देर तक घर के बाहर खड़े रहेंगे। और बता दें आपको कि थोड़ी देर बाद खूब घमासान बारिश होगी, जिसमें हमारे आशिक जीते भीग जाएंगे साहिबा के इंतजार में। साहिबा के घर के अंदर उनकी माँ बाहर से कपड़े उतार लेंगी और बोलेंगे कि पता नहीं कौन बहा रहा है, खाली सड़क पर इतनी बारिश जाने किसका इंतजाम कर रहा है। ये सुनकर साहिबा अपना सारा काम छोड़कर तेजी से खिड़की के पास पहुंचेंगी और देखेंगी कि उनके इंतजार में जीते ही बावरे होकर भीग रहे होंगे। ये देखने के बाद दोस्तों आपको बता दें कि साहिबा की आंखों में खुशी के आंसू हमें नजर आएंगे। और बता दें दोस्तों कि नीचे जाने लगेंगी वो, लेकिन फिर उनके कदम रुक जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि उन्हें याद आएगा कि वो ऐसे खुली सड़क पर जीते से नहीं मिल सकती। इसलिए वो उनसे इशारे से घर के पीछे की रोड पर बुलाती और चोरी छुपे उनसे मिलने पहुंच जाती है। जीते को अपने सामने खड़ा देख वो अपने आंसू को नहीं रोक पाती और जोर से उन्हें गले लगा लेती है। आपको बता दें दोस्तों कि जीते भी उनके साथ इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर हग करने के बाद वो बोलती है, तुम पागल हो, यहाँ कैसे आ गए? जिस पर जीते हंसकर बोलते हैं, सोचा है कि मरने से पहले तुम्हें यूं ही मिल लूं। ये सुनकर दोस्तों आपको बता दें कि साहिबा जीते को गाल पर जोर की थप्पड़ दे देती है और कहती है कि कौन मर रहा है, तुम? तो जीते बोले, हाँ एक लड़की है, उसे चक्कर में करना, अगर हम बात करें तो ऐसा हो भी सकता है कि वो मर जाए। और ये सुनकर साहिबा की आंखों में जोर जोर से वो बात करे फिर से आंसू निकल जाते हैं। तो जीते उन्हें चुप कराते हैं और बोलते हैं, अरे नहीं नहीं कोई नहीं मर रहा, कौन मर रहा है, सब ठीक है। ये सुनकर दोस्तों बता दें कि साहिबा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि हमें पता है कि हम धोखेबाज हैं जो ऐसे चले आते हैं बिना किसी कोशिश के। जीता ये सुनकर बात करे साहिबा के चेहरे हल्का ऊपर करते हैं और बोलते हैं, किसी की कोई गलती नहीं और वैसे भी अब सब ठीक हो जाएगा, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। बहुत बड़ी रात, ऐसा क्या हुआ गदर 2 की शूटिंग के दौरान कि सभी चौंक गए? पर वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज।
बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी गदर, जिसके सीक्वल का इंतजार देश का हर इंसान कर रहा है, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। और वो अपडेट क्या है, चलिए जानते हैं। गदर 2 को लेकर ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ऑडियंस ने तो ये तक बोल दिया है कि हम सब मिलकर गदर 2 को ब्लॉकबस्टर करवा के रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्कर्ष शर्मा गदर 2 में तारा सिंह के बेटे का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। लेकिन उत्कर्ष पाकिस्तान कैसे पहुंचा, इसका खुलासा आज हो गया है। अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, उत्कर्ष पाकिस्तान में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने पहुंचेगा, लेकिन वो खुद ही पाकिस्तान आर्मी के हाथों पकड़े जाएगा। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि अमीषा पटेल अकेली हीरोइन नहीं होगी इस फिल्म में, बल्कि तारा सिंह के बेटे की गर्लफ्रेंड का कैरेक्टर सिमरत कौर प्ले करने वाली है। लोगों ने उनके पहले के काम को भी काफी पसंद किया है। इसके अलावा गदर 2 के सेट का एक ऐसा BTS वीडियो सामने आया है जो इस फिल्म के क्रेज को साफ दिखाता है। आपको बता दें कि गदर 2 की शूटिंग लखनऊ के साथ साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों में भी हुई है, और ये वायरल हो रहा वीडियो कश्मीर की शूटिंग के दौरान का ही है, जहां एक कश्मीरी मुसलमान गदर 2 की शूटिंग देखने पहुंचा और उसने कुछ ऐसा किया जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। वहां पहुंचे इस आदमी ने अपने कपड़े फाड़ कर अपने दिल की तरफ इशारा करके कहा, हिंदुस्तान कहाँ रहता है, हमारे दिल में। जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और देखते ही देखते उस बंदे के आसपास भीड़ जमा हो गई। आप लोगों का इस क्रेजीएस्ट फैन के बारे में क्या सोचना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये तो बात हो गई क्रेजीएस्ट फैन की, अब मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ सनी देओल को लेकर हंगामा चल रहा है। दरअसल जैसा कि आपको पता होगा, गदर फिल्म के बाद से सनी देओल पाकिस्तान में बैन है, और जब से गदर 2 की अनाउंसमेंट हुई है, पाकिस्तान की जनता बौखला गई है, और पाकिस्तान की जनता का मिजाज देखते हुए गदर 2 को पाकिस्तान में बैन भी किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या बैन होगी गदर 2 पाकिस्तान में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कहते हैं कि हर फिल्म हमारे अंदर का सिनेमा प्रेमी को जगा देती है। इसके लिए फिल्म मेकर चाहे इमोशनल गाने हो या फिर इमोशनल सीन्स हो, हर किस्म से हमारे अंदर के इमोशन को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फिल्में इतनी ज्यादा इमोशनल होती हैं, वो हमारे दिल को छू जाती हैं। ऐसी फिल्मों को हम कई बार बार देखते हैं, और ऐसी फिल्मों का हिट होना बहुत आम बात है। और लगता है कुछ ऐसा ही हुआ था गदर फिल्म के साथ। अमीषा पटेल और सनी देओल की फिल्म गदर, जो कि पार्टीशन की कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाती है, एक ऐसी ही फिल्म थी जहां अब इस फिल्म के सीक्वल से हमें भारत पाकिस्तान के युद्ध को दिखाया जाएगा और कई सालों का एक जंप दिखाया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि जहां फैंस को गदर फिल्मों में इसे पार्टीशन से इतना ज्यादा लगाव था, जिसने इस फिल्म की कहानी को इतना ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया था, तो क्या अब कुछ ऐसा ही होगा गदर के सीक्वल के साथ। आपको बता दें कि सनी देओल अमीषा पटेल की ये लव स्टोरी, जो कि भारत और पाकिस्तान की लव स्टोरी थी, एक खास लव स्टोरी इसलिए ही बन गई क्योंकि इसमें पार्टीशन का ये ट्विस्ट दिखाया गया था। जाहिर सी बात है कि पार्टीशन को लेकर भारतीयों के दिलो दिमाग में एक अलग ही इमोशन है, और इसी इमोशन को डायरेक्टर ने जगा दिया और गदर फिल्म बन गई एक सुपरहिट फिल्म। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उत्कर्ष शर्मा, जो कि सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का किरदार निभा रहे हैं, फिर से वही इमोशन जगा पाएंगे। क्या भारत पाकिस्तान के इस युद्ध को लेकर होंगी फैंस के इमोशंस इतने ज्यादा स्ट्रांग कि वो हमारे अंदर के सिनेमा लवर को लेकर आएंगे बाहर। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा गदर 2 का रिलीज होने का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। कौन सा डायलॉग था जिसने लोगों का दिल जीत लिया था? क्या आने वाले हैं गदर 2 में दोबारा सेम डायलॉग? गदर का कौन सा डायलॉग था जो आज भी याद किया जाता है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बॉलीवुड के ये एक्टर न सिर्फ अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे हैं, बल्कि हमेशा से ही लोगों के दिलों में एक्शन और रोमांटिक हीरो की तरह शामिल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। सनी देओल को फिल्म गदर में एक रोमांटिक और एक्शन हीरो के रूप में एक साथ देखा गया था, लेकिन सनी का कहना है कि वो फिल्म थी जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती ही चली गई।
आपको बता दें कि सनी देओल अपने समय के सुपरस्टार रहे हैं। रोमांटिक फिल्म से करियर शुरुआत करने वाले सनी की इमेज एक्शन और एक गुस्सैल हीरो की बन गई। सनी देओल की पहचान बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो के तौर पर होती है। 2001 में आई गदर ने न सिर्फ सनी देओल को एक एक्शन हीरो बनाया बल्कि हम सबको बहुत कुछ बेहतरीन डायलॉग से भी रूबरू कराया। उनमें से कुछ बेहतरीन डायलॉग की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। गदर का सबसे पहला डायलॉग, जब तारा को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिलती तो वो क्या कहता है, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत कोई सरहद नहीं रोक सकती। और बेशक उसे कोई रोक भी नहीं पाया, वो गया भी और अपनी बीवी को साथ में भी लाया, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में कोई कर दे तो कसम से गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। कितनी अलग है रियल और रियल लाइफ। हम फिल्मों के मुद्दों को दिखा सकते हैं लेकिन उन्हें रियल लाइफ में आजमा नहीं सकते। और ये डायलॉग कोई कैसे भूल सकता है, जब तारा ने कहा कि अशरफ अली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। आज भी कभी जब पाकिस्तान और हिंदू में कोई लड़ाई झगड़े की खबरें सामने आती हैं तो इस डायलॉग का इस्तेमाल किया जाता है। अब लव मैरिज हो और इस डायलॉग का इस्तेमाल ना हो तो भाई कैसी लव मैरिज। लेकिन कौन सा डायलॉग, वो डायलॉग है बाप बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को लिमरेगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो गदर के हिट हुए, जैसे जिंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, जीना तो पड़ता है मैडम जी, जीना तो पड़ता है। इसमें तारा सकीना को जिंदगी जीने का पाठ पढ़ाता है, जब सकीना और तारा में से किसी को भी नहीं पता था कि वो दोबारा मिलेंगे और कभी ना बिछड़ने के लिए मिलेंगे। और आखिरी डायलॉग जो लगता है दिल पर, वो भी ठां करके, जो था मुझ गरीब पर रहम तुमने क्या किया, जो कुछ था मेरे पास सब लूट लिया। हाय क्या डायलॉग थे गदर में। ने क्या शेयर किया अपने सोशल मीडिया पेज पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बरकरार है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है। अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। अब गदर एक प्रेम कथा को अभी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस बीच फिल्म गदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार गुड न्यूज आ रही है। ये खबर सुनकर एक बार फिर 2001 की गदर एक प्रेम कथा की यादें फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी। अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्वल बनाया जा रहा है। निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म गदर 2 ने लखनऊ में फिल्म की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है। अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो अब फाइनली पूरी हो चुकी है। अब फिल्म गदर 2 के सेट पर आ रही खबरों की बात करें तो फिल्म ने पार्ट 2 की लगभग 80% शूटिंग को पूरा कर लिया है। बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल की स्टारर गदर 2 इस बार भी उसी जोश और एक नए तजुर्बे के साथ पर्दे पर रिलीज होगी और फिल्म की शूटिंग लखनऊ से जुड़े शहर बाराबंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमति ली है। पहले ये शूटिंग 16 अप्रैल को शुरू होनी थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको टालकर 20 अप्रैल से शुरू किया गया। अब जिसके बाद अब जाकर फिल्म की शूटिंग फाइनली खत्म हो पाई है। आपको बता दें कि फिल्म में एक्ट्रेस सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीतने के लिए नजर आएंगी। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वही पुरानी तारा सिंह के लुक में अपनी तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है ताकि फैंस अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। अब इस तस्वीर के साथ कैप्शन देते हुए एक्टर ने लिखा कि केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही अद्भुत किरदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से पेश है तारा से। आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गदर 2 का पहला शेड्यूल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की थी।
अब तस्वीरों में जहां एक और सनी देओल तारा सिंह लुक में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमीषा भी अपना वही पुराना लुक कैरी किया था उन्होंने। अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिए हैं। फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 इस साल के एंड तक थिएटर्स में दस्तक देगा। अब फिल्म के रिलीज का दर्शकों को और फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। अब उम्मीद है कि इस बार भी फिल्म अपना वही पुराना जादू बिखेरने में कामयाब हो और साथ ही इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी को देखने के लिए हर कोई उतावला है। सभी पुराने गाने होंगे रिक्रिएट। किस सिंगर को मेकर्स कर चुके हैं कंफर्म? या फिर तारा सिंह गाएंगे एक गाना? दोस्तों, बॉलीवुड का गानों से कितना ज्यादा गहरा नाता है ये बात तो हम सभी जानते हैं। एक जनरल मूवी में एक गाना होता है ये बात भी हम सभी जानते हैं। और लेकिन बॉलीवुड की फैंटेसी कुछ ऐसी है कि वो लिटरली किसी भी मूवी में गाने ऐड कर ही देते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी की फिल्म क्यों ना हो, उसमें गाने तो होने ही चाहिए दोस्तों। और यही साइड इफेक्ट आजकल झेल रही है हमारी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म यानी कि ब्रह्मशास्त्र। हालांकि बात करें दोस्तों, फिल्म के जो गाने हैं वो इतने खराब नहीं है और ना ही वो सुनने में खराब लगते हैं, लेकिन फिर भी क्रिटिक्स का कहना था कि फिल्म की जो स्टोरी है ना उसमें इन गानों की खास जरूरत नहीं थी, और अगर डाल भी दिए हैं तो वो बहुत गलत जगह पर इनपुट किए गए हैं। लेकिन आज के टाइम पे कुछ मूवीज ऐसे तो जरूर हैं जिसके गाने ही फिल्म के असली एक्स फैक्टर होते हैं, जैसे अभी हाल ही में अनाउंस हुई आशिकी 3। इस सॉन्ग सेंटर्ड फिल्म को तो हम जानते हैं इसके सुपरहिट गानों की वजह से, बट मैं यहाँ आज आशिकी 3 की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, बल्कि मेरा इशारा है नेक्स्ट ईयर आने वाली फिल्म यानी कि गदर 2 की ओर। वैसे तुम सभी जानते हैं कि गदर अपने एक्शन और दमदार स्टोरी लाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, और फैंस को उम्मीद भी यही है कि आने वाली फिल्म में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आप ये भूल गए हो कि गदर फिल्म का पूरा नाम था गदर एक प्रेम कथा यानी कि एक लव स्टोरी, और जब लव स्टोरी में ही रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। जी हाँ, यानी कि आने वाली फिल्म गदर 2 में हमें कई रोमांटिक सॉन्ग्स देखने को और सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स ही नहीं बल्कि हमें आने वाले सीक्वल में पुरानी फिल्म के कई गाने भी सुनने को मिलेंगे। हालांकि शुरुआत में दोस्तों ये खबर आई थी कि फिल्म में सिर्फ एक पुराना गाना ही रिक्रिएट किया जाएगा और वो होगा तारा सिंह का मैं निकला गड्डी लेके, जिसे इस बार वो और उसका बेटा दोनों अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग लोकेशंस पर शूट करने की सोच रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और हो सकता है कि वो उसको करते हुए नजर भी आए। लेकिन अभी ये सुनने में आया है कि फिल्म में इसके सिवा दो और गाने भी रिक्रिएट किए जाएंगे, और ये गाने होंगे उड़ जा काले कावा और मुसाफिर जाने वाले। सोर्सेस की माने तो मेकर्स ने इनमें से एक गाने के लिए तो सिंगर भी डिसाइड कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, फिल्म का फेमस रोमांटिक सॉन्ग मुसाफिर जाने वाले के लिए अगर हम बात करें, मेकर्स ने जुबिन नौटियाल को डिसाइड कर लिया है। हालांकि अभी इससे जुड़ी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर नहीं आई है, लेकिन ये न्यूज़ दोस्तों आपको बता दें कि लगभग कन्फर्म है, और अगर सच में ऐसा होता है तो ये वाकई में देखने लायक होगा कि जुबिन पुराने सॉन्ग को गाने वाले लेजेंडरी सिंगर यानी कि उदित नारायण को कैसे टक्कर देंगे। फिलहाल ये तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है दोस्तों। कंटिन्यूटी एरर करेंगे काम खराब, किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूँ फिल्म गदर 2 के बारे में। बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात चल ही रही है तो सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रीमेक होने वाला है या फिर इसमें हम कहानी को आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं। जहां बात आती है पुरानी फिल्मों के सीक्वल की, चाहे वो कूली नंबर 1 हो या फिर जुड़वा 2, हमने हमेशा ये देखा है कि पुरानी फिल्मों के रीमेक से ही इसका सीक्वल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक काफी बड़ा और मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि ना केवल ये मुश्किल काम है बल्कि साथ ही जब किसी पुरानी कहानी को बहुत समय बाद बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसमें बहुत सारी कंटिन्यूटी एरर्स भी आने लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो
कुछ कहानी के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर दे। जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म जो इतने ज्यादा समय पहले आई थी, जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है, तो क्या इसमें पुरानी कहानी के हर उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने ही बेहतरीन तरीके से? शायद हाँ शायद ना। जब सारे एक्टर्स भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं और कहानी का हर एक मोड़ बदल चुका है, तो इन्हीं कंटिन्यूटी एरर्स को फैंस हमेशा नोटिस करते हैं और ये फिल्म के नेगेटिव पार्ट्स में से मानी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी फिल्म को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है, तो हर एक चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाता है और लगता है कि गदर फिल्म के मेकर्स भी कुछ ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं। अगर वो गदर 2 में इन सभी कंटिन्यूटी एरर्स को ठीक कर पाते हैं और कहानी को एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो गदर 2 एक सुपरहिट फिल्म होने ही वाली है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्लॉट पॉइंट हो जो पहले ही कहानी से मैच ना करता हो, तो ये फिल्म फैंस के लिए और देश भर के ऑडियंस के लिए होने वाली है काफी निराशा की बात। लेकिन हम रख रहे हैं गदर 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें और कर रहे हैं इस फिल्म का बेताबी से इंतजार। लेकिन लगता है कि ये इंतजार चलेगा थोड़ा लंबा, क्योंकि गदर फिल्म के मेकर्स हैं इस फिल्म को परफेक्शन बनाने की होड़ में और इसके लिए हम हैं काफी एक्साइटेड। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें। सोशल मीडिया पर करेगी कमबैक अमीषा का इंस्टाग्राम फीवर। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। अमीषा पटेल, जो कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक समय की सबसे टॉप की एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती थी, अपनी सुंदरता से हमें कई बार इम्प्रेस कर चुकी हैं। जी हाँ, चाहे वो उनकी फिल्म कहो ना प्यार में उनकी भोली सी सूरत हो, या फिर गदर फिल्म में उनकी वो नजाकत जिसने सकीना के किरदार को और भी ज्यादा बेहतरीन बना दिया था। अमीषा पटेल ने हमें अपनी सुंदरता से कई बार इम्प्रेस किया है। हम अमीषा पटेल के इंस्टाग्राम पर भी बेहतरीन कमबैक की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में काफी ज्यादा ग्लैमरस पिक्चर्स पोस्ट करके इंस्टाग्राम का तापमान काफी बढ़ा दिया है। जी हाँ, चाहे वो उनकी बिकिनी में पिक्चर्स हो या फिर उनकी थ्रोबैक पिक्चर्स, हर जगह अमीषा पटेल ही छाई हुई है। वो सोशल मीडिया पर अपने आप को काफी ज्यादा एक्टिव दिखा रही है, जिसकी वजह से फैंस भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम उनका हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहतरीन कमबैक देख सकते हैं। अगर कमबैक की बात कर ही रहे हैं, तो अमीषा पटेल इस समय कमबैक के पूरे मूड में हैं, क्योंकि वो करने वाली है कमबैक गदर फिल्म के सीक्वल के साथ। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि आइकॉनिक फिल्म गदर अपने सीक्वल के साथ वापसी कर रही है। इतने सालों बाद जब हमें एक बार फिर से सनी देओल और अमीषा पटेल भारत और पाकिस्तान की कहानी में फंसते हुए दिखेंगे और अपने बेहतरीन प्यार से सबको एंटरटेन करते हुए दिखेंगे, तो ये होने वाला है काफी दिलचस्प। जाहिर सी बात यह है कि अमीषा पटेल एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आने की कोशिश कर रही हैं, तो इस चक्कर में उन्हें अपने आप को और कई चीजों में इम्प्रूव करना पड़ रहा है, जिनमें से एक है सोशल मीडिया। तो हम सोशल मीडिया पर अमीषा पटेल से गदर फिल्म के सीक्वल के बारे में भी कुछ ना कुछ नया पा सकते हैं, और साथ ही उनके इस कमबैक को देखने के लिए हम और देश भर की ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। क्या फिल्म का सीक्वल फिल्म के पहले हिस्से से ज्यादा कमाई कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमको करना पड़ेगा गदर 2 के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक आप फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें, ये फिल्म काफी बड़े लेवल पर बन रही है और इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच काफी एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रही है। इस फिल्म को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। एक्टर्स ने क्या शेयर किया अपने सोशल मीडिया पेज पर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के बारे में। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बरकरार है।
ये एक ऐसी फिल्म थी जिसको कोई नहीं भूल सकता है। अब फिल्म में दोनों कलाकार की दमदार अदाकारी ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। अब गदर एक प्रेम कथा को अभी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इस बीच फिल्म गदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार गुड न्यूज आ रही है। ये खबर सुनकर एक बार फिर 2001 की गदर एक प्रेम कथा की यादें फैंस के दिलों में ताजा हो जाएंगी। अब खबरों की माने तो फिल्म गदर का सीक्वल बनाया जा रहा है। निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म गदर 2 ने लखनऊ में फिल्म की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर ही लिया है। अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने वाला है और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जो अब फाइनली पूरी हो चुकी है। अब फिल्म गदर 2 के सेट पर आ रही खबरों की बात करें तो फिल्म ने पार्ट 2 की लगभग 80% शूटिंग को पूरा कर लिया है। बता दें कि सनी देओल और अमीषा पटेल की स्टारर गदर 2 इस बार भी उसी जोश और एक नए तजुर्बे के साथ पर्दे पर रिलीज होगी और फिल्म की शूटिंग लखनऊ से जुड़े शहर बाराबंकी में स्थित जिला कारागार की में की गई है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने इस सीक्वल को शूट करने के लिए सरकार से अनुमति ली है। पहले ये शूटिंग 16 अप्रैल को शुरू होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको टालकर 20 अप्रैल से शुरू किया गया। अब जिसके बाद अब जाकर फिल्म की शूटिंग फाइनली खत्म हो पाई है। आपको बता दें कि फिल्म में एक्ट्रेस सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीतने के लिए नजर आएंगी। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वही पुरानी तारा सिंह के लुक में अपनी तस्वीर भी अपने फैंस के साथ शेयर की है, ताकि फैंस अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। अब इस तस्वीर के साथ कैप्शन देते हुए एक्टर ने लिखा कि केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही अद्भुत किरदारों के जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से पेश है तारा से। आगे उन्होंने लिखा कि फिल्म गदर 2 का पहला शेड्यूल पूरा करके बहुत ही अच्छा महसूस मैं कर रहा हूँ। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की थी। अब तस्वीरों में जहां एक और सनी देओल तारा सिंह के लुक में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अमीषा भी अपना वही पुराना लुक कैरी किया था उन्होंने। अब शेयर की गई तस्वीरों में दोनों कलाकार अपनी टीम के साथ ही हमें दिखाई दिए हैं। फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 इस साल के एंड तक थिएटर्स में दस्तक देगा। अब फिल्म के रिलीज का दर्शकों को और फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। अब उम्मीद है कि इस बार भी फिल्म अपना वही पुराना जादू बिखेरने में कामयाब हो और साथ ही इन दोनों की सुपरहिट जोड़ी को देखने के लिए हर कोई उतावला है। आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अमीषा सनी की दिखेगी केमिस्ट्री, क्या पहले जैसी होगी उनकी केमिस्ट्री? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों कहते हैं ना कि जब भी आप किसी भी काम से कोई ब्रेक ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको उस ब्रेक से वापसी करना काफी मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे एक्टर्स जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से काफी बड़ा ब्रेक ले लिया हो और उसके बाद वो अपना कमबैक करने की कोशिश करते हैं, वैसे एक्टर्स को कुछ इस दौर से गुजरना पड़ता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनके लिए पहले जैसे हालत पैदा करना काफी मुश्किल हो जाता है। और वहाँ कम ही ऐसे एक्टर्स होते हैं जो अपने सेकेंड इनिंग्स में पहले ऐसा काम कर पाते हैं। हालांकि ये काफी मुश्किल है और काफी कम हमें देखने को मिलता है। आपको बता दें, कुछ ऐसा ही हुआ था एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ। रवीना टंडन जिन्होंने हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा ही बड़ा ब्रेक लिया और अब जाकर उस ब्रेक से वापसी कर पाई है। कुछ ऐसा ही हो रहा अमीषा पटेल और सनी देओल के साथ भी। जी हाँ, कदर फिल्म के साथ हमारे बड़े पर्दे पर शकीना और तारा सिंह का ये बेहतरीन कपल जब आया था, तो वो एक आयनिक मोमेंट था। कदर फिल्म एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई और उसकी एक लौटी वजह थी उनकी केमिस्ट्री। सनी देओल और अमीषा पटेल की इतनी बेहतरीन केमिस्ट्री ने इस फिल्म के अंदर जान डाल दी थी। जाहिर सी बात है कि गदर एक प्रेम कथा थी और इस प्रेम कथा को सनी देओल और अमीषा पटेल की बेहतरीन केमिस्ट्री ने ही हिट करवा दिया। जहां गदर फिल्म के सीक्वल की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये फिल्म जल्दी बड़े पर्दे पर दिखाई देगी, ये सवाल उठता है, क्या पहले जैसा होगा इन दोनों के बीच प्यार? क्या होगी इनकी केमिस्ट्री उतनी ही बेहतरीन जैसे हमने गदर फिल्म में देखी थी? जाहिर सी बात है कि इतने सालों बाद जब आप किसी के साथ काम करते हैं, तो
हो सकता है कि आपकी बॉन्डिंग पहले जैसी ना हो और एक साथ स्क्रीन शेयर करना काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्या ऐसा वाकई में होता है या फिर नहीं, ये देखने के लिए हमें करना पड़ेगा गदर 2 की रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक के लिए फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। वेल दोस्तों, आपको ये बता दें, इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब रिलीज होगी तो क्या धमाल होगा, इसके लिए तो हमें फिल्म रिलीज का इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम तो भाई इस फिल्म को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किस गलती से बचना है जरूरी, कंटिन्यूटी एरर करेगा काम खराब, किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात चल ही रही थी तो सभी के जहन में एक ही सवाल आया कि क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रिमेक होने वाला है या फिर इसमें हम कहानी को आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं। जहां बात आती है पुरानी फिल्मों के सीक्वल की, चाहे वो कुली नंबर 1 हो या फिर जुड़वा 2, हमने हमेशा ये देखा है कि पुरानी फिल्मों के रिमेक से ही इसका सीक्वल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक काफी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि न केवल ये एक मुश्किल काम है बल्कि साथ ही जब किसी पुरानी कहानी को बहुत समय बाद बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसमें बहुत सारे कंटिन्यूटी एरर भी आने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म तो इतने ज्यादा समय पहले आई थी, जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या इसमें पुरानी कहानी के उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने बेहतरीन तरीके से। जब सारे एक्टर्स भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं, कहानी का हर एक मोड बदल चुका है, तो इन्हीं कंटिन्यूटी एरर को फैंस हमेशा नोटिस करते हैं और ये फिल्म के नेगेटिव पार्ट्स में से मानी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी फिल्म को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है और लगता है कि गदर फिल्म के मेकर्स भी कुछ ही तैयारी कर रहे हैं। अगर वो गदर 2 में इन सभी कंटिन्यूटी एरर को ठीक कर पाते हैं और कहानी को एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो गदर 2 एक सुपरहिट फिल्म होने वाली है ही। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्लॉट पॉइंट हो जो पहले की कहानी से मैच ना करता हुआ हो तो फैंस के लिए और देश भर के ऑडियंस के लिए होने वाली है काफी निराशा की बात। लेकिन हम रख रहे हैं गदर 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें और कर रहे हैं इस फिल्म का बेताबी से इंतजार। लेकिन लगता है कि ये इंतजार चलेगा थोड़ा लंबा, क्योंकि फिल्म गदर के मेकर्स हैं इस फिल्म के परफेक्शन बनाने की होड़ में और इसके लिए हम तो काफी हैं एक्साइटेड। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया में काम करना चाहते हैं और जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है, इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। कौन सा गाना फिल्म में होगा रिक्रिएट, कौन से सिंगर्स हो चुके हैं कंफर्म, क्या फिर वही पुराना सीन आएगा नजर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानी के साथ साथ उनके गानों से भी हमारे दिल के तार बंधे हुए होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं लेकिन उनके गाने इंडस्ट्री में धूम मचा जाते हैं। वहीं कभी ऐसी भी फिल्में मिलती हैं जिनकी स्टोरी लाइन और ओवरऑल फिल्म एक्सपीरियंस तो जबरदस्त होता है लेकिन फिल्म के गाने कानों को कुछ खास आराम नहीं देते। लेकिन ऐसी एक्सेप्शनल मूवीज बहुत कम देखने को मिलती हैं जो दोनों ही फील्ड्स में महारथी हो, यानी स्टोरी तो दमदार हो ही, साथ ही उसके बीच में जब गाना आए तो वो भी कहानी में चार चांद लगा दे। लेकिन ये बात मैं आज के बॉलीवुड को देखकर कह रही हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में एक टाइम ऐसा था जब ये बात बहुत ही आम थी, यानी फिल्म में कहानी को दमदार तो दिखाया जाता ही था लेकिन गाने ऐसे कि दिल को छू जाएं। और उसी वक्त ही एक फिल्म थी सनी देओल की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर प्लस लव स्टोरी फिल्म गदर एक प्रेम कथा। ये एक ऐसी मूवी थी जो ना तो टिपिकली एक्शन बेस्ड थी और ना ही कम्प्लीटली रोमांटिक। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर थी कि फिल्म तारा सिंह की प्रेम कथा पर बेस्ड थी। लेकिन फिल्म में एक्शन और लव एंगल के साथ साथ एक चीज और थी जो काफी अट्रैक्टिव थी और वो थे इसके गाने,
फिल्म की शुरुआत में ही हीरो का हीरोइन से मिलते वक्त आने वाला गाना ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके इतना हिट हुआ था कि लोगों की जुबान पर रस बस गया था। जैसे शोर तारा सिंह के गाते वक्त उसके सामने बैठी ऑडियंस मचा रही थी, उससे कहीं ज्यादा स्क्रीन के सामने बैठी पब्लिक कर रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये थ्रिल, ये एक्साइटमेंट आप बहुत जल्द फिर से एक बार महसूस करने वाले हैं, वो भी उसके पुराने अंदाज में ही। जी हाँ, क्योंकि वापस आ रहा है तारा सिंह फिर अपने गाने के साथ, फिर एक नई कहानी लेकर। खबरें हैं कि आने वाले गदर 2 में भी ये गाने रिक्रिएट होंगे, बस गानों के लिए अदर लिरिक्स चूज की जाएगी क्योंकि स्टोरी के हिसाब से ये चेंज होगी। जिस तरह तारा सिंह सभी के सामने शर्माते हुए गाना गाता है और फिर सब में जोश भर देता है, वो नजारा एक बार फिर वापस देखने को मिलने वाला है। हालांकि इस बार इस सॉन्ग को उदित नारायण गाएंगे ऐसी तो कोई खबर अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस गाने को एक बार फिर सभी की जुबान चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल फिल्म के फाइनल शूटिंग रैप अप होने वाली है और फिल्म अपने लास्ट शेड्यूल में शूट हो रही है। पॉसिबली मेकर्स इसके बाद फिल्म के गानों को शूट करें। फिलहाल खबरें हैं कि इसके साथ भी कुछ गाने रिक्रिएट होने वाले हैं। अब वो कौन से सॉन्ग्स हैं और कौन उन्हें गाने वाला है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। सोशल मीडिया पर किसने की प्रमोशन शुरू, अमीषा सबसे आगे कैसे? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। कहते हैं कि एक बेहतरीन मार्केटिंग और प्रमोशन के साथ कोई फिल्म हिट हो सकती है। चाहे आप हाल ही में आई फिल्म ब्रह्मास्त्र को ही ले लीजिए, इस फिल्म को लेकर फैन से काफी मिलते जुलते रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फिल्म के डायलॉग के बारे में हो या फिर स्टोरी के बारे में। लेकिन इस फिल्म को इतनी बेहतरीन तरह से मार्केट और प्रमोट किया गया है कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जाहिर सी बात है कि किसी भी फिल्म को मार्केट या प्रमोट करना एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर यह काम बेहतरीन तरीके से किया जाए तो ये फिल्म को हिट बना सकता है। और लगता है यह बात समझ चुकी है हम सब की अमीषा पटेल। जी हाँ, गदर फिल्म के साथ अमीषा पटेल ने जहाँ हम सबका दिल तो जीता है, वही लगता है इस समय के साथ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतनी बारीकी से जान चुकी है कि वो अब अपनी फिल्म को सीक्वल की फुल मार्केटिंग कर रही है। जी हाँ, जहाँ गदर के सीक्वल में हमें एक बार फिर से उत्कर्ष शर्मा, सनी देओल और अमीषा पटेल बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं, वहीं इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट हो या फिर इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच में इंटरेस्ट, ये सब कुछ काफी ज्यादा समय से बरकरार है। और इस फिल्म को कहानी क्या होगी, क्या होने वाला है इन सब का किरदार, पहले की कहानियों से कितना ज्यादा होने वाला है गदर 2 का रिश्ता, इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम और देश भर के फैंस कर रहे हैं गदर 2 के रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार के आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं अंकिता लेती हूँ आपसे इजाजत, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस को और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया पर किसने की प्रमोशन शुरू, अमीषा सबसे आगे कैसे? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। कहते हैं कि एक बेहतरीन मार्केटिंग और प्रमोशन के साथ कोई भी फिल्म हिट हो सकती है। चाहे आप हाल ही में आई फिल्म ब्रह्मास्त्र को ही ले लीजिए, इस फिल्म को लेकर फैंस के काफी मिलते जुलते रिव्यूज थे, चाहे वो फिल्म के डायलॉग के बारे में हो या फिर स्टोरी के बारे में। लेकिन इस फिल्म को इतनी बेहतरीन तरह से मार्केट और प्रमोट किया गया था कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जाहिर सी बात है कि किसी भी फिल्म को मार्केट या प्रमोट करना एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर ये काम बेहतरीन तरीके से किया जाए तो ये फिल्म को हिट बना सकता है। और लगता है ये बात समझ चुकी हैं अमीषा पटेल। जी हाँ, गदर फिल्म के साथ अमीषा पटेल ने जहाँ हम सबका दिल तो जीत ही लिया है, वहीं लगता है समय के साथ इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को वो इतनी बारीकी से जान चुकी हैं कि अब अपनी फिल्म के सीक्वल की पूरी मार्केटिंग कर रही है वो। जहाँ गदर के सीक्वल में हमें एक बार फिर से उत्कर्ष शर्मा, सनी देओल और अमीषा पटेल बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं,
वहीं इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट हो या फिर फैंस के बीच एक्साइटमेंट, ये सब कुछ काफी ज्यादा समय से बरकरार है। और अमीषा पटेल अपने सोशल मीडिया के जरिए कुछ ना कुछ पोस्ट करती जा रही हैं या कुछ ना कुछ हिंट्स देती रहती हैं, जिसे फैंस को इस फिल्म के सीक्वल के लिए अभी से एक्साइटेड देखा जा सकता है। जहां अभी तक फिल्म की शूटिंग रैप अप नहीं हुई है, वहीं प्रमोशन का काम लगता है अमीषा पटेल ने पूरी तरह से ले लिया है अपने कंधों पर। अपने इंस्टाग्राम पर वही हमें कुछ ना कुछ नया देती जा रही है, और यही वजह है कि फैंस के दिलों में गदर के सीक्वल को लेकर बेकरारी बढ़ती ही जा रही है। इस फिल्म की कहानी क्या होगी, क्या होने वाला है इन सबका किरदार, पहले की कहानी से कितना ज्यादा होने वाला है गदर 2 का रिश्ता, इन सभी सवालों के जवाबों के लिए हमें करना पड़ेगा फिल्म के रिलीज होने का इंतजार। लेकिन तब तक आप लोग फिल्मों के इंतजार से जरा आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें कि ये फिल्म काफी बड़े लेवल पर बनाई जा रही है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच में काफी एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रहा है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। किस एरिया में ध्यान देना है जरूरी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बहुत समय से जब गदर फिल्म के सीक्वल की बात ही चल रही थी तो सभी के जहन में एक ही सवाल की, क्या गदर फिल्म का सीक्वल एक रीमेक होने वाला है या फिर इसमें कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखा जाएगा। जहां बात आती है पुरानी फिल्मों के सीक्वल की, चाहे वो कुली नंबर 1 हो या फिर जुड़वा 2, हमने देखा कि पुरानी फिल्मों के रीमेक से ही इसका सीक्वल बनाया जाता है और फैंस ऐसा देखना पसंद भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब किसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक काफी बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ना केवल ये एक मुश्किल काम है बल्कि साथ ही में जब किसी पुरानी कहानी को बहुत समय बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है तो उसमें बहुत सारे कंटिन्यूटी एरर्स भी आने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं जब कहानी के बीच में कुछ ऐसे प्लॉट पॉइंट्स होते हैं जो कुछ कहानी के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर दें। जाहिर सी बात है कि गदर फिल्म जो इतने ज्यादा समय पहले आई थी, जब अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है तो क्या उसमें पुरानी कहानी के हर उस पहलू को आगे बढ़ाया जा पाएगा उतने बेहतरीन तरीके से, जब सारे एक्ट्रेस भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं और कहानी का हर एक मोड़ बदल चुका है। तो इन्हीं कंटिन्यूटी एरर्स को फैंस हमेशा नोटिस करते हैं और ये फिल्म के नेगेटिव पार्ट्स में से माना जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब किसी फिल्म को बहुत समय से बनाया जा रहा होता है तो हर एक चीज का ख्याल रखा जाता है, और लगता है कि गदर फिल्म के मेकर्स भी कुछ ही तैयारी कर रहे हैं। अगर वो गदर 2 में इन सभी कंटिन्यूटी एरर्स को ठीक कर पाते हैं और कहानी को एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ा पाते हैं तो गदर 2 के सुपर हिट होने को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा प्लॉट पॉइंट हो जो पहले की कहानी से मैच ना करता हुआ हो तो ये फैंस के लिए और देश भर के ऑडियंस के लिए होने वाला है काफी निराशा वाली बात। लेकिन हम रख रहे हैं गदर से बहुत ज्यादा उम्मीदें और कर रहे हैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार। लेकिन लगता है कि ये इंतजार थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि गदर फिल्म के मेकर्स हैं इस फिल्म को परफेक्शन बनाने की होड़ में है, और इसके लिए हम तो हैं काफी एक्साइटेड। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आप आगे बढ़िए, और अपने सिनेमा की दुनिया से अगर जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं, और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। सनी देओल ने गदर 2 के बारे में कौन से बड़े खुलासे कर दिए? आखिर सनी को गदर 2 पर क्यों है बहुत बड़ा भरोसा? क्या बॉक्स ऑफिस पर सनी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी गदर 2? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, 22 साल बाद सनी देओल की 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर की अगली कड़ी नई फ्लेवर के साथ वापसी करने को तैयार है। फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें हैं और मेकर्स जल्द ही अनिल शर्मा डायरेक्टर फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस भी करने वाले हैं। सनी देओल का कहना है कि गदर जैसी बड़ी फिल्म का सीक्वल बनाना एक चुनौती जैसा है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया कि शुरुआत करना एक मुश्किल काम था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग जो चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा।
सनी देओल के चुप के को स्टार दुलकर सलमान ने भी इस पर बात की और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक नई जनरेशन के लिए बनी है, नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है, जब वो देखेंगे तो तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर गदर के लिए इतना बवाल मचा क्यों था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सनी के मुताबिक उनकी पिछली कई फिल्मों के सीक्वल बनने की गारंटी है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए इन्हें नहीं बनाना चाहते क्योंकि इसका दूसरा पार्ट बनना चाहिए। उन्होंने कहा, हम पार्ट टू करते टाइम चीजों को गड़बड़ कर देते हैं, अगर लेखन अच्छा हो तो हमें एक ही पार्ट को दो पार्टों में कर देना चाहिए, लेकिन गदर टू पर उन्हें पूरा भरोसा है और ये बॉक्स ऑफिस पर फाड़ देगी और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वैसे गदर 2 का इंतजार तो सभी कर रहे हैं, इस बार कहानी मोड़ लाएगी। पिछली बार तारा अपनी शकीना को लेने पाकिस्तान गया था, तो इस बार अपने बेटे के प्यार के लिए पाकिस्तान जाएगा। स्टार कास्ट सेम है, इसीलिए मजा उतना ही होने वाला है और हर कोई चाहता था कि स्टार कास्ट मर्दी ना जाए, इसीलिए तारा बने हैं सनी, शकीना बनी है हमारी प्यारी अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा, जो कि अब बड़े हो चुके हैं, वो अपने प्यार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा सनी की चीख बॉक्स ऑफिस पर क्या मचाएगी बवाल। ओशन को मिलेगा नया रूप, सकीना का बेटा लड़ेगा नई लड़ाई। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। भारत पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो कि काफी ज्यादा एक जैसे हैं। इसकी वजह है इन दोनों देशों में जो लोग रहते हैं वो एकदम एक जैसे हैं और एक ही जगह से आए हैं। चाहे इस बंटवारे ने हम सबको दुनिया के नक्शे पर तो बांट दिया हो, लेकिन असल जिंदगी में यहाँ लोगों को कोई बांट नहीं सकता। जहाँ हमने बंटवारे पर ना जाने कितनी फिल्में देखी हैं, ये बात हम सब जानते हैं कि ऐसी बहुत ही कम फिल्में हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच के प्यार को बड़े पर्दे पर दिखा पाए। ऐसा ही प्यार गदर फिल्म में दिखाया गया था। जी हाँ, अमीषा पटेल और सनी देओल की स्टोरी ने हम सबका दिल तो जीत ही लिया था और साथ ही में हमें भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बेहतरीन रिश्ते को दिखाया, जिसने हम सबके मन में एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ा दिया। अब बात आती है इस फिल्म के सीक्वल की। जी हाँ, जब से सनी देओल ने गदर 2 की अनाउंसमेंट की है तो सभी के दिलों में इस फिल्म की कहानी को लेकर काफी ज्यादा सवाल है। आपको बता दें कि गदर 2 में हम भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखने वाले हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अमीषा और सनी देओल के बेटे का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म की कहानी में भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध से कैसे जगाने वाले हैं वो सारे इमोशंस जो गदर ने जगाए थे। ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने इस युद्ध में हार का सामना किया था, तो ये देखना बड़े पर्दे पर काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि कैसे ये युद्ध की कहानी के साथ हमें प्यार के वो एंगल दिखाएंगे जो कि फिर से इमोशन से हम सबको भर देगी। हम सबके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है ये सफर। और क्या गदर 2 ऐसी कहानी साबित हो सकती है जो कि इस इमोशन को आगे बढ़ा पाएगी? इसके लिए हमें और आपको करना पड़ेगा इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार। लेकिन तब तक आप फिल्मों के इंतजार से जरा आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी भारी जोश और एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। भाई, मैं भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड तो हूँ, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। करेंगी साहिबा मना, कौन होगा खतरे में, तारा को कैसे मिलेगी खबर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ आइकॉनिक फिल्म गदर 2 के बारे में। अपने प्यार के पास पहुँचने के बाद जीते साहिबा के घर पहुँचेंगे उनके माँ बाप को मनाने, लेकिन क्योंकि साहिबा के माँ बाप को इसकी खबर पहले से हो जाएगी, इसीलिए वो उन्हें मना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। इस बात से अनजान जीते जॉनी के साथ उनके घर पहुँच जाएंगे। साहिबा को अपने माँ पापा का प्लान तब समझ में आ जाता है जब उनके पास पाकिस्तान आर्मी के जनरल का कॉल आता है घर आने के लिए, क्योंकि वह साहिबा के पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। साहिबा ये सुनकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है जीते को अपने घर से भगाने की, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए।
लेकिन जीते कंफ्यूज हो जाते हैं और साहिबा के इशारे बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। जब तक साहिबा और जीते की बात चल रही होती है तब तक मनीष वाधवा यानी आर्मी मेजर वहां पहुंच जाते हैं। वो एंट्री लेते ही पहले तो साहिबा के पेरेंट्स से मिलते हैं और फिर जीते के बारे में पूछते हैं, जहां साहिबा की मम्मी बोलती है कि अरे ये हमारे मेहमान है पंजाब से, साहिबा का हाथ मांगने आए हैं, क्यों बेटा? इस पर जीते नर्वस होकर मुस्कुराते हैं और कुछ बोलने चलते हैं, लेकिन उससे पहले ही मनीष बोलते हैं, अरे 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 साहिबा बिटिया का रिश्ता आया है वो भी पंजाब से, इनसे तो बातें करनी बनती हैं। ये कहकर वो जोर से जीते की पीठ पर थपकी मारकर उन्हें सोफे पर बिठा देते हैं। साहिबा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और बोल पड़ती है, हमें नहीं करनी शादी, आप प्लीज यहां से चले जाएं। ये सुनकर जीते एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और बाकी सब भी साहिबा को देखने लगते हैं। उनकी इस बात पर मेजर साहिब बोलते हैं कि अरे बेटिया इतनी दूर से आए हैं, जरा बातचीत तो कर ले इनसे, जान तो ले इन्हें, और तुमने तो सीधा ही मना कर दिया। मेजर की बात सुनकर जीते बोलते हैं कि दरअसल अभी तक हमें बोलने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि आप लोगों को सही समझ रहे हैं, हम यहाँ साहिबा के साथ रिश्ते के लिए ही बात करने आए थे, लेकिन साहिबा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मेजर साहिब जीते का कंधा हल्का दबा कर बोलते हैं, और क्या भाई, साहिबा उनकी माँ बाप की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा, हम होने ही नहीं देंगे। इस बात पर साहिबा के पापा उनसे बोलते हैं कि अरे बेटा यहाँ तो बातें होती रहेंगी, तुम जरा चाय नाश्ते का इंतज़ाम कराओ, अभी तो बहुत बातें करनी है। ये बोलने के बाद साहिबा के पापा उनकी माँ को इशारा करते हैं और वह साहिबा को अंदर किचन में ले जाती हैं। इन दोनों के जाते ही मेजर साहिब और साहिबा के पापा जीते और उनके साथ आए जॉनी लिवर को घर लेते हैं। वो दोनों इस बात से थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद जॉनी बहाने से अपने ऊपर शरबत गिरा लेते हैं और साहिबा के पापा से वॉशरूम के लिए पूछते हैं। जॉनी के वॉशरूम जाने पर मेजर साहिब जीते से पूछते हैं कि तो हमें पता चला है कि आप जनाब हमारी साहिबा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्यों? तो जीते मेजर साहब और अपने बीच में थोड़ी जगह बनाते हुए बोलते हैं कि जी हाँ मोहब्बत तो बेइंतहा है ही, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उनकी और उनके माँ बाप के मर्जी के बिना कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएंगे। इस पर मेजर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ वो तो हम उठाने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। ये सुनकर जीते बोलते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। इधर जीते और मेजर का माहौल गर्म हो रहा है और उधर जॉनी वॉशरूम में जाकर कर रहे थे तारा सिंह को इन्फॉर्म पाकिस्तान की सिचुएशन का। वो उनको फोन करके बताते हैं कि कैसे जीते यहाँ पाकिस्तान में खतरे में है और उन दोनों को तारा सिंह की यहाँ जरूरत है। ये सब सुनकर तारा को गुस्सा आ जाता है, वो जॉनी को उनके आने तक सिचुएशन संभालने के लिए बोलते हैं। ये सब बताकर जैसे ही जॉनी वॉशरूम से निकलते हैं तो वहां वो साहिबा को खड़ा पाते हैं जो कि आंसू भरी निगाहों से उन्हें देख रही होती है। वो उनसे कहती हैं कि चाचा आप लोग कैसे भी यहाँ चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, ये सब एक चाल है जीते को नुकसान पहुंचाने की। ये बोलकर वो किसी के आने की आहट सुनकर वहां से भाग जाती है। अब फिलहाल आगे क्या होगा ये तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमें कमेंट से बताइए कि आपको क्या लगता है कि कहानी में आगे क्या हो सकता है। सनी देओल ने गदर 2 के बारे में कौन से बड़े खुलासे कर दिए? आखिर सनी को गदर 2 पर क्यों है बहुत बड़ा भरोसा? क्या बॉक्स ऑफिस पर सनी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी गदर 2? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जियार। दोस्तों अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों 22 साल बाद सनी देओल की 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर की अगली कड़ी नई फ्लेवर के साथ वापसी करने को तैयार है। फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें हैं और मेकर्स जल्द ही अनिल शर्मा डायरेक्टर फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस भी करने वाले हैं। सनी देओल का कहना है कि गदर जैसी बड़ी फिल्म का सीक्वल बनाना एक चुनौती जैसा है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया कि शुरुआत करना एक मुश्किल काम था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग जो चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा। सनी देओल के चुप के को-स्टार दुलकर सलमान ने भी इस पर बात की और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक नई जनरेशन के लिए बनी है, नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है, जब वो देखेंगे तो तब उन्हें पता चलेगा कि आखिर गदर के लिए इतना बवाल मचा क्यों था।
वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सनी के मुताबिक उनकी पिछली कई फिल्मों के सीक्वल बनने की गारंटी है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए इन्हें नहीं बनाना चाहते क्योंकि इसका दूसरा पार्ट बनना चाहिए। उन्होंने कहा, हम पार्ट टू करते टाइम चीजों को गड़बड़ कर देते हैं। अगर लेखन अच्छा हो तो हमें एक ही पार्ट को दो पार्टों में कर देना चाहिए, लेकिन गदर 2 पर उन्हें पूरा भरोसा है और ये बॉक्स ऑफिस पर फाड़ देगी और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। स्टार कास्ट सेम है, इसीलिए मजा उतना ही होने वाला है और हर कोई चाहता था कि स्टार कास्ट बदली ना जाए, इसीलिए तारा बने हैं सनी, शकीना बनी है हमारी प्यारी अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा जो कि अब बड़े हो चुके हैं, वो अपने प्यार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा सनी की चीख बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 20 साल पहले लोगों का गदर रिलीज पर सिनेमा का अनुभव। क्या बताया फिल्म के बारे में खुद सनी देओल ने, गदर 2 में गद्दार घोषित कर दिए जाएंगे तारा और सकीना। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों 20 साल पहले ना मल्टी स्क्रीन्स वाले सिनेमा घर होते थे और ना ही इतने शोज कि जितने लोग भी किसी फिल्म को पहले दिन ही देखना चाहे तो सबको टिकट मिल ही जाए। तो तय हुआ कि गदर एक प्रेम कथा का पहला शो सुबह 6 बजे से शुरू होगा। पूरे देश में उस दिन उत्सव का माहौल था। सनी देओल के दीवाने ढोल ताशे लेकर ये फिल्म देखने पहुंचे और साथ में ही लोगों को लगान भी देखनी थी। मेरे बड़े बताते हैं कि उन्होंने ये दोनों फिल्में एक ही दिन नई दिल्ली में देखी। पहले शीला थिएटर में लगान देखी, फिर वहां से भाग कर पहुंचे कनॉट प्लेस के प्लाजा सिनेमा घर, जहां उनकी सीटें बुक होने के बावजूद सिनेमा हॉल के भीतर घुसने तक की जगह नहीं बची थी। जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हॉल के भीतर पहुंचे तो वहां सिर्फ भीड़ दिख रही थी। जितने लोग सीटों पर बैठे थे उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर के भीतर खड़े होकर सिनेमा देख रही थी। खड़े होकर फिल्म देखने वाले इन दर्शकों की गिनती तो नहीं हुई होगी, लेकिन तब भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने का रिकॉर्ड बना दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि 15 जून 2001 को फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार महीने भर पहले से कर रहे थे। दिल्ली में गर्मियां 20 साल पहले भी इतनी ही बेरहम हुआ करती थी। उस चिलचिलाती गर्मी में भी लोग फिल्म देखने आए, ये बहुत बड़ी बात है। फिल्म की कहानी का भी हल्का सा इशारा सनी ने दिया, लेकिन तब बायोपिक शब्द फैशन में नहीं था, नहीं तो सनी देओल इसका भी जिक्र जरूर करते बातचीत में। जी हाँ, गदर एक बायोपिक थी जो बूटा सिंह की जिंदगी पर आधारित थी, जिसकी चर्चा हम अपनी पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गदर में हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप सब बदल दिया। इसके बाद अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ लगातार ऐलाने जंग, फरिश्ते, तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई, लेकिन फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा था। अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म माँ बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा। दोस्तों आपको आगे बता दें कि इस तरह हमें मिला भारत का तारा सिंह, जो हर मजहब से प्यार करता था, लेकिन अगर उसके हिंदुस्तान को कोई बुरा भला कहे या उसके बीवी बच्चे को कोई उससे अलग करना चाहे तो वो इसका बदला लिए बिना पास नहीं आता है। और इसी देशभक्ति और परिवार के लिए जुनूनी प्यार को लेकर एक बार फिर अनिल गदर का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहली फिल्म की आगे की कहानी को दिखाया जाएगा कि कैसे तारा सिंह और सकीना को अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो मुश्किलें जो उन्हें पाकिस्तान के आने के बाद झेलनी पड़ी। फिल्म में दोस्तों दिखाया जाएगा कि तारा को गद्दार घोषित किया गया क्योंकि वो पाकिस्तानी लड़की के लिए पाकिस्तान तक गया, पाकिस्तानियों की हर बात मानी, इसीलिए तारा और सकीना को पंजाब से निकाल दिया जाएगा। इन दोनों को निर्दोष साबित करेगा इनका बेटा जीत। जी हाँ दोस्तों, आगे आपको बता दें कि कहानी एक दो सीन के बाद लीप लेगी, जिसमें तारा सकीना का बेटा बड़ा होता हुआ दिखाया जाएगा, जिसकी भूमिका एक बार फिर जीत यानी उत्कर्ष ही निभाएगा। यही उत्कर्ष अपने रील माँ बाप को कैसे वापस अपने गांव लाता है, कैसे उन्हें निर्दोष साबित करवाता है और इस बीच वो कैसे मिलता है अपनी लव ऑफ लाइफ से, ये सब देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं, यानी एक्साइटेड हैं एक बार फिर इस मूवी को देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।
और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार। कौन निभाएगा सनी देओल के ससुर का कैरेक्टर? कौन निभाएगा सनी देओल के दोस्त का कैरेक्टर? बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी गदर, जो साल 2001 में रिलीज हुई थी, अब उसका सीक्वल आने जा रहा है, जिसकी वजह से ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ऑडियंस काफी लंबे टाइम बाद इसके सीक्वल का वेट जो कर रही थी। लेकिन इस आइकॉनिक मूवी के मेन दो कैरेक्टर्स को निभाने वाले एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो क्या उनके कैरेक्टर को गदर 2 में एंड कर दिया जाएगा या फिर रिप्लेस किया जाएगा? और कौन से हैं वो दो कैरेक्टर, चलिए जानते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है सनी देओल के ससुर का, यानी कि अगर हम बात करें अमरीश पुरी सर ने। अमरीश पुरी ने अशरफ अली के कैरेक्टर में जान डाल दी थी। आपको बता दे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि गदर 2 के अंदर उनका कैरेक्टर किसी और एक्टर से रिप्लेस होता है या नहीं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि गदर 2 के अंदर उनका कैरेक्टर किसी और एक्टर से रिप्लेस होता है या कहानी को कुछ इस तरीके से ट्विस्ट किया जाएगा कि उनके कैरेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे परेश रावल सनी देओल के ससुर का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कई मूवीज में विलन का कैरेक्टर प्ले किया है, और आपको बता दें फ्रेंड्स, उनको विलन के तौर पर ऑडियंस ने काफी पसंद भी किया है, जैसे 1994 में आई अंदाज अपना अपना में। इसके अलावा 2010 में आई आक्रोश फिल्म के लिए उन्हें जी साइन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला, और ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस काफी पसंद भी आई थी। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इसलिए परेश रावल अमीषा पटेल के फादर का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, दूसरा कैरेक्टर है सनी देओल के दोस्त का, जो सनी देओल के साथ पाकिस्तान भी गया था अमीषा पटेल को लाने के लिए, जिनका कैरेक्टर प्ले किया था आपको बता दें फ्रेंड्स विवेक शोक ने, जिनकी भी मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से 2011 में। यानी कि दारा सिंह के ससुर और दोस्त दोनों मेन कैरेक्टर्स निभाने वाले एक्टर अब दुनिया में नहीं रहे, तो ये देखना होगा कि इन दोनों का कैरेक्टर कौन निभाता है और क्या वो एक्टर भी ऑडियंस का दिल जीत पाएगा अपनी एक्टिंग से, जैसे अमरीश पुरी सर और विवेक ने इनका जीता था। वेल दोस्तों, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन होंगे मेन दो कैरेक्टर्स। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें जल्दी से कमेंट्स में बताएं। पार्टीशन हुआ था या हो रहा है, क्या मतलब है इसका? किस मानसिकता पर फिल्म की कहानी को बनाया जा सकता है? क्यों नाराज है हर दूसरा शख्स पार्टीशन से? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने बीते महीने ही अपने रिलीज के 20 साल पूरे किए हैं। फिल्म के निर्देशक अनिल शर्मा अपने करियर की इस सबसे बड़ी हिट को लेकर हमेशा उत्साहित रहे हैं। फिल्म गदर एक प्रेम कथा के रिलीज के 20 साल पूरे होने पर अनिल ने कहा था कि ये फिल्म भले बंटवारे के वक्त की हो, लेकिन इसमें हमने पाकिस्तान की इज्जत का भी पूरा ख्याल रखा। वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा रही है और पड़ोसी को नीचा दिखाना हमारे संस्कार में नहीं है। हम पाकिस्तान को फिल्म में कहीं नीचा नहीं दिखाना चाहते, और पाकिस्तान के इस वकार को पर्दे पर पेश करने की हमारी कल्पना को अमरीश पुरी ने साकार कर दिया था। उसी तरह आपकी बार भी फिल्म को अलग लेवल पर बनाया जाने वाला है। डॉक्टर मुल्ला आदम अली द्वारा लिखित किताब पार्टीशन से अगर गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 बना होगा, तो शायद लोगों तक ये संदेश पहुंच पाए कि पार्टीशन हुआ ही नहीं था, या यूं कहें कि पार्टीशन हो रहा है। अगर आपने गौर किया हो तो पार्टीशन में हमेशा पाकिस्तान और भारत के बीच के संबंध को दिखाया जाता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पार्टीशन तो हम खुद अपने देश में भी कर रहे हैं, कहीं धर्म को लेकर, कहीं काम, तो कहीं जाति और पैसों को लेकर? जिस पर अगर गदर 2 की कहानी को लिखा और लोगों तक पहुंचाया जाए, तो लोगों तक एक अच्छा मैसेज जा सकता है। तो ऐसे कुछ डॉक्टर आदम अली की किताब में जिक्र था, जिससे हम गदर 2 की कहानी को सोच सकते हैं। कहानी कुछ यूं थी कि कुर्बान भाई का वास्तविक नाम भी कुर्बान भाई था। बावरी विध्वंस के बाद अल्पसंख्यकों के मन में अराजकता, सुनापात, खोखलापन घर कर गया। संजीव के शब्दों में कहे तो अविश्वास की ओर धकेले गए मनुष्य मानसिक खोखलापन
अराजकता एवं सुनेपन के अलावा हमेशा दिन रात आतंक के साए में दिन बिताने को मजबूर हुए। अपने और अपनी मिट्टी से परायपन जैसी अवस्था को पार्टीशन नामक कहानी के जरिए प्रस्तुत करते हैं। कुर्बान भाई विभाजन के वक्त अपना परिवार, सगे संबंधी, बपौती व संपत्ति सब खो गए, फिर भी वो अपने अतीत को इंसानियत और शराफत के बल पर सहता है। दूसरी तरफ ईमानदारी, शराफत और मानवता के बल पर सभी अमानवीय कार्यों, यंत्रणाओं और कष्टों की भूल भुलैया से उभरकर मनुष्य का ओहदा प्राप्त करने की कुर्बान भाई की क्षमता के कारण उसे धमकियां और फरियादें मिलने लगी। पॉलिटिक्स अपने लोगों के लिए नहीं है, समझे? चुपचाप सालन रोटी खाओ, अल्लाह का नाम लो। चैन से जीना है तो इन लफड़ों में मत पड़ो। यहाँ रहना हो तो पानी में रहकर मगरमच्छों से बैर करने से क्या फायदा। कुर्बान भाई ने अग्नि परीक्षा जीत कर जो अपनापन, आत्मविश्वास, सहजता अर्जित किए हैं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से मिटा दिया गया है। तिल मिल टूटते कुर्बान भाई को झटका लगता है गोमिया से, जब वो उन्हें कुर्बान भाई के बजाय मियां कहता है। एक ही मिनट में वो कुर्बान भाई से मियां कैसे बन गए? कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरकर जो सम्मान प्यार अर्जित किया है, रोज कीमत चुकाकर कस्बे में थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी सी सामाजिक सुरक्षा, थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ी सी सजगता उन्होंने अर्जित की थी, तेल मिल करके बना पहाड़ एक फूंक में उड़ गया। वो सोचते हैं कि अपनी मेहनत का खाते हैं, फिर भी ये लोग हमें अपना बोझ ही समझते हैं। वो सोचने लगता है कि विभाजन के वक्त पाकिस्तान चले जाते, लाख गुर्बत बर्दाश्त कर लेते, कम से कम ऐसी अच्छी बात तो नहीं सुननी पड़ती। धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी पर। या अल्लाह, हिंदुत्ववादियों को क्या पता कि कुर्बान भाई के अंदर क्या टूटता है। और बुद्धिजीवी कहते हैं, पार्टीशन हुआ था नहीं हो रहा है, जारी है। तो यहाँ किसी धर्म या जाति विशेष को दुख पहुँचाने का इरादा नहीं है, बस कुर्बान भाई जैसे लोग ये कहना चाहते हैं कि जब कोई एक इंसान एक देश में रहता है, उसके साथ काम करता है, तो उसे वैसे सम्मान क्यों नहीं मिलता है जैसे बाकी लोगों को मिलता है? वो क्यों एक पराया देश से आया ही माना जाता है? कहानी में लोगों के बीच हो रहे मनोसामाजिक विभाजन का चित्र खींचा गया है। ये कहानी सांप्रदायिक मानसिकता को जड़ों से सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि के साथ उखाड़ने की कोशिश करती है। हमारे माननीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का जो विघटन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, वो निरंतर जारी है। इसमें दंगा या हिंसा और बलात्कार जैसी चीजें नहीं है। आम लोगों के दैनंदिन जीवन, सोच और व्यवहार में जो जहर घुला हुआ है, ये उसकी कहानी है। उस जहर के कारण कुर्बान भाई, जो एक बेहतरीन इंसान है, एक दिन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो मुसलमान है। ऐसी सोच को गदर में दिखाया जा सकता है कि पहले जो पार्टीशन हुआ सो हुआ, लेकिन हर दूसरे इंसान के साथ उसके धर्म के आधार पर उसका बंटवारे निरंतर हो रहा है, अब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। जैसे गदर की कहानी में दिखाया कि तारा सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है, उसकी लड़ाई सकीना के परिवार से थी, ना कि पाकिस्तान की आवाम से। तो ऐसे में गदर 2 में इस कहानी को लेकर इस तरह जाया जा सकता है कि सकीना के साथ तारा के देश यानी हिंदुस्तान में परायापन जैसा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि वह एक मुसलमान है। तो इस कहानी को उस नजरिए से दिखाया जा सकता है कि जिस नजरिए की बात डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में की, ताली दो हाथ से बजती है। अगर जहर घोलने की गलती पाकिस्तान कर रहा है, तो जाहिर से बात है उसमें हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। और ये कहानी बेशक गदर के तारा पर सूट करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, गदर 2 की कहानी ऐसी हो सकती है? अब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में रिलीज होगी मूवी, क्या सीक्वल से पहले थिएटर्स में लगेगी पुरानी गदर? क्यों फिल्म को लेकर सनी है इतने कॉन्फिडेंट? हेलो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जहां एक तरफ पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रही हैं, वहीं फिल्म इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर अपनी कई बड़ी प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटेड है। कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ये क्लेम करते नजर आ रही हैं कि नेक्स्ट ईयर बॉलीवुड के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हालांकि कुछ मूवीज़ के लिए तो फैंस भी काफ़ी बेसब्री से वेट कर रही हैं, स्पेशली SRK के कमबैक का। जहां एक तरफ वो अपनी 3 बड़ी फिल्में लेकर आ रही हैं, वहीं सलमान खान भी टाइगर 3 में हमें नज़र आने वाले हैं। साथ ही आदि पुरुष, एनिमल और दृश्यम 2 जैसी मच अवेटेड फिल्में भी नेक्स्ट ईयर थिएटर्स में आने को तैयार है। तो ऐसे में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि अगला साल सच में बॉलीवुड के लिए
टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन साथ ही लिस्ट में कुछ ऐसे सीक्वल्स भी हैं जो काफी लंबे समय के बाद हमें थिएटर्स में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक है गदर 2। 2001 में आई गदर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब लगभग 2 दशकों के बाद मेकर्स फिर इसके अगले पार्ट को लेकर आ रहे हैं। हालांकि सनी देओल ऑलरेडी अपनी एक ओल्ड ब्लॉकबस्टर मूवी के सीक्वल को लेकर आ चुके हैं, घायल 2। 2016 में घायल 2 से सभी को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर बुरी तरह फेल ही हो गई। और अब सनी पाटी फिर एक बार अपनी एक पुरानी फिल्म के सीक्वल को लेकर आ रही हैं और इस बार वो इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी हाल ही में उनकी आने वाली ट्रिप मूवी के एक प्रेस मीट में उन्होंने अपने गदर 2 को लेकर कुछ बातें साझा करी हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। बड़ी फिल्मों के सीक्वल ज्यादातर अपने एक्टर्स की वजह से चर्चा में आ जाते हैं, बट उसका चलना सिर्फ एक बेटर स्टोरी पर डिपेंड होता है और गदर 2 की स्टोरी को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर हम फिल्मों को सेकंड पार्ट को लेकर मेस्ड अप कर देते हैं, बल्कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो बेशक हमें उस पर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी फिल्म के लखनऊ स्केड्यूल को पूरा कर चुके हैं और नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में वो उसके अगले स्केड्यूल को स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक वो उसे रैप अप कर देंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक इच्छा भी जताई है। उनका कहना था कि मैं चाहूंगा कि मेकर्स फर्स्ट मूवी को एक बार फिर रिलीज करें इसके सीक्वल के आने से पहले, जिससे नई जनरेशन को भी गदर एक प्रेम कथा को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। हालांकि अब मेकर्स दोबारा फिल्म को री-रिलीज करते हैं या नहीं, ये कहना अभी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बेशक नई जनरेशन को भी गदर जैसे मास्टरपीस को एक बार फिर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। फिलहाल मूवी अगले साल की शुरुआत में रिलीज की जाएगी और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है ये साल के एंड तक पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप भी हमें कमेंट में बताएं कि गदर मूवी दोबारा रिलीज होनी चाहिए या नहीं। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय। गदर होगी फिर से रिलीज, क्या नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में रिलीज होगी फिल्म? क्या सीक्वल से पहले थिएटर्स में लगेगी पुरानी गदर? क्यों फिल्म को लेकर सनी है इतने कॉन्फिडेंट? दोस्तों, जहां एक तरफ पिछले कुछ टाइम से बॉलीवुड के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहीं फिल्म इंडस्ट्री नेक्स्ट ईयर अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटेड है। कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ये क्लेम करते नजर आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हालांकि कुछ मूवीज के लिए तो फैंस भी काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, स्पेशली SRK के कमबैक का। जहां एक तरफ वो अपनी 3 बड़ी फिल्में लेकर आ रहे हैं, वहीं सलमान खान भी टाइगर 3 में हमें नजर आने वाले हैं। साथ ही आदि पुरुष, एनिमल और दृश्यम 2 जैसी कुछ मच अवेटेड फिल्म भी नेक्स्ट ईयर थिएटर्स में आने को तैयार है। तो ऐसे में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि अगले साल सच में बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन साथ ही लिस्ट में कुछ ऐसे सीक्वल्स भी हैं जो काफी लंबे समय के बाद हमें थिएटर्स में नजर आएंगे, जिसमें से एक है गदर 2। 2001 में आई गदर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब लगभग 2 दशकों के बाद मेकर्स फिर इसके अगले पार्ट को लेकर आ रहे हैं। हालांकि सनी देओल ऑलरेडी अपनी एक ओल्ड ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल को लेकर आ चुके हैं घायल 2। 2016 में आई घायल 2 से सभी को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर बुरी तरह फेल ही गई। अब सनी पाजी फिर एक बार अपनी एक पुरानी फिल्म के सीक्वल को लेकर आ रहे हैं और इस बार वो इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी आने वाली चुप फिल्म की एक प्रेस मीट में उन्होंने अपनी गदर 2 को लेकर कुछ बातें साझा करी, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। बड़ी फिल्मों के सीक्वल ज्यादातर अपने एक्टर्स की वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं, बट उसका चलन सिर्फ एक बेटर स्टोरी पर डिपेंड होता है और गदर 2 की स्टोरी को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर हम फिल्मों के सेकंड पार्ट को लेकर मेस्ड अप कर देते हैं, बल्कि अगर फिल्म की कहानी अच्छी हो तो बेशक हमें उस पर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी फिल्म के लखनऊ स्केड्यूल को पूरा कर चुके हैं और नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में वो उसके अगले स्केड्यूल को स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक उसे रैप अप कर देंगे। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक इच्छा भी बताई
उनका कहना था कि मैं चाहूंगा कि मेक अस फर्स्ट फिल्म को एक बार फिर रिलीज करे इसके सीक्वल के आने से पहले, जिसे नई जनरेशन को भी गदर की प्रेम कथा को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। हालांकि अब मेक अस दोबारा फिल्म को री रिलीज करते हैं या नहीं, ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बेशक नई जनरेशन को भी गदर जैसे मास्टरपीस को एक बार फिर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। फिलहाल फिल्म अगले साल की शुरुआत में रिलीज की जाएगी और इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है ये साल के एंड तक पता चल ही जाएगा। पाकिस्तान की लड़की का कश्मीरी रोमांस, साथ रहने से बढ़ेगा प्यार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा, स्वागत करता हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही लड़ाई में अगर कोई स्टेट है जो फंसा हुआ है तो वो है कश्मीर। जहाँ कश्मीर को हम धरती पर स्वर्ग कहते हैं, वहीं ये जितना सुंदर है इसने उतनी ही ज्यादा लड़ाई और उतनी ही ज्यादा वॉर्स देखी है, और लगता है कि यही वजह है कि ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करने के बाद भी कश्मीर अपनी सुंदरता नहीं खोता है। एक बार फिर से कश्मीर की ये सुंदरता हमें दिखने वाली है गदर फिल्म के सीक्वल गदर 2 में। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ गदर फिल्म के साथ हमने देखा कि सकीना और तारा सिंह वापस भारत में घुस आते हैं और अपनी जिंदगी आगे जीते हैं, तो आपको बता दें कि गदर फिल्म के सीक्वल में उनकी इस जिंदगी का हमें एक नया पहलू देखने को मिलेगा। ये दोनों चले जाएंगे कश्मीर में रहने के लिए, जहां उनका बेटा जीते अब बड़ा हो चुका है, और साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा टेंस माहौल और एक युद्ध को देखकर घबरा जाता है। भारत और पाकिस्तान के इसी युद्ध में बदल जाती है जीत की किस्मत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1962 के वॉर की। तो कहानी है जीत की, जो एक बार घर से निकलता है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की जो पाकिस्तान से भटककर भारत के बॉर्डर पर आ चुकी है, अधमरी सी पड़ी हुई है, वो उसे घर ले आता है और साथ ही उसकी पूरी देखभाल करता है। उसका साथ देते हैं तारा सिंह और सकीना, और कुछ समय के बाद जब लड़की होश संभालती है तो वो घर आ जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे देश में है जहाँ वो किसी को नहीं जानती। लेकिन धीरे धीरे जब वो ये देखती है कि तारा सिंह, सकीना और जीते तीनों ही उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो उसकी वो खुशी वापस आ जाती है। लेकिन अपने घर वालों की उस याद को वो भुला नहीं पाती, जिसकी वजह से जीते उसे वापस छोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। इसी बीच कश्मीर के प्यारे बैकग्राउंड और सकीना और तारा सिंह के प्यार से उसका मन बदल जाता है और वो रह जाती है भारत में ही, और बन जाती है हमेशा हमेशा के लिए जीते की। तो दोस्तों, ये होने वाली है गदर 2 की कहानी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस कहानी में आने वाले हैं और ट्विस्ट, और इन्हीं ट्विस्ट को देखने के लिए हम कर रहे हैं गदर 2 की रिलीज का इंतजार। लेकिन तब तक फिल्मों के इंतजार से आगे बढ़िए, और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर। आज के लिए यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। लगे गदर 2 बनने में इतने साल, इस बार कौन होगा मूवी का विलन? कौन बनने वाला है सनी पाजी के पाकिस्तान जाने की वजह? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। 15 जून 2002 इतिहास में एक ऐसी खास तारीख है जो कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता। इस दिन गदर मूवी रिलीज की गई थी, जिसमें सनी देओल को हमें इंडिया पाकिस्तान की जंग के सिलसिले में देखा और उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। इस मूवी ने अपने फैंस के दिलों पर घर कर लिया था। हर हिंदुस्तानी इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही बेताब रहता था, यहाँ तक कि गांव में रहने वाले लोग भी शहर आकर ये मूवी देखा करते थे और घंटों थिएटर के आगे टिकट के लिए लाइन लगाकर वेट किया करते थे कि अब हमें मूवी देखने को मिलेगी। गदर मूवी ने साल 2002 में अपनी छाप सबके दिलों में छोड़ी थी, जिस वजह से आज वो इतिहास की सबसे यादगार और फेमस मूवी है। अनिल शर्मा, जिन्होंने बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी दी है और गदर मूवी को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ बनाया है, उनका कहना था कि गदर एक ऐतिहासिक मूवी है और इसको दूसरे पार्ट में दिखाना बहुत ही सीरियस और टास्कफुल है। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बीच के मसले आम नहीं है। दो देशों की दुश्मनी यूं बेबुनियाद नहीं है कि मूवी को बिना सोचे समझे कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मूवी के सेकेंड पार्ट के लिए
इतना सारा वक्त लिया और फाइनली रेडी है अब रिलीज होने के लिए हमारे सनी देओल की फेमस मूवी गदर 2। गदर मूवी में अमीषा पटेल सनी देओल की वाइफ के तौर पर नजर आएंगी और उनके बेटे के रोल भी उत्कर्ष शर्मा ही करेंगे, जिन्होंने बचपन में तारा सिंह के बेटे का रोल प्ले किया था। इस बार गदर 2 में विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकते हैं, जिन्होंने नेगेटिव रोल्स में बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। अनिल शर्मा कहते हैं कि जीनियस मूवी में नवाजुद्दीन जी ने बहुत ही तगड़ा और सुपरहिट रोल किया था, जिसे वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उत्कर्ष शर्मा और नवाजुद्दीन जी एक साथ जीनियस मूवी कर चुके हैं, तो दोनों के लिए गदर 2 करना एक्साइटिंग और कंफर्टेबल रहने वाला है। फिल्म में इस बार भी तारा सिंह जाएंगे पाकिस्तान अपने बेटे को बचाने, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होंगे और अपनी ड्यूटी के दौरान पाकिस्तान आर्मी के हाथों लग जाते हैं। पहले अपनी पत्नी के लिए तारा पाकिस्तान गए थे और अब अपने बेटे को वापस लाने के लिए वो पाकिस्तान जाएंगे और गदर मचा के आएंगे। तो फिल्मों में अलगना क्या है, मतलब सकीना का कौन सी छोटी चीज को डिफाइन किया गया था? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म गदर पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। हर एक इंसान उसके एक अलग नाम से पहचाना जाता है और उसे उसके ही नाम से बुलाया जाता है। हम सभी के पास अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग लुक्स है, अलग अलग नाम है जिसे हम पहचाने जाते हैं। ऐसा ही होता है कुछ फिल्मों के कैरेक्टर्स के साथ। आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि हर एक फिल्म, हर एक वेब सीरीज में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के नाम अलग होते हैं, ऐसा क्यों? तो आप सभी को ये बता दें कि जब भी कोई फिल्म का राइटर फिल्म की कहानी को लिखने लगता है तो उसके दिमाग में वो कहानी अपने आप स्क्रीन की तरह प्ले होती रहती है। यूं कहें कि वो उस कहानी को फील करने लगता है और जब भी वो राइटर उस कहानी को फील करने लगता है तो उसके दिमाग में उस कहानी के हर एक कैरेक्टर अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। जैसे समझो कि कोई फिल्म में अगर कोई कैरेक्टर है जैसे कि चाय वाला या पान वाला, तो फिर उस हर सभी कैरेक्टर्स में ऐसे राजू या श्यामू करके ही चाय वाला या पान वाले के नाम होते हैं, क्योंकि वो उनकी स्वीट पर्सनालिटी होती है, कहां उनको कोई जंग लड़ने जाना होता है। तो इसीलिए हर किसी फिल्म में, हर एक फिल्म में हर एक कैरेक्टर को उसके क्वालिटी के हिसाब से ही उसे नाम दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही है अमीषा पटेल जो कि गदर 2 फिल्म की फीमेल लीड एक्ट्रेस है, तो उसी के नाम के साथ भी ऐसा ही कुछ है। देखिए ना, अगर हम कभी भी अमीषा पटेल का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक खूबसूरत लंबे बालों वाली और स्वीट सी लड़की की छवि आ जाती है। और गदर 1 में हमें ये दिखाया गया था कि अमीषा पटेल एक मुस्लिम लड़की रहती है, फिर बाद में वो सिकनी बन जाती है, इसलिए फिल्म में उनका नाम भी कुछ इस तरह रखा गया जिससे वो फिल्म में सिकनी भी लगे और मुस्लिम भी। और वहीं दूसरी ओर अगर उनकी पर्सनालिटी को गौर किया जाए तो फिल्म में अमीषा पटेल का काफी शांत और काफी चुलबुला और मिजाज लड़की का कैरेक्टर है जहां वो सबकी मदद करती है। और अगर अब अमीषा के इस फिल्म के रियल लाइफ के नाम के मतलब पर गौर करें जो कि सकीना है, सकीना का मतलब होता है आराम, शांति, सरलता, गरिमा और भगवान की उपस्थिति होना। तो वही हमें अमीषा के सकीना वाले रूप में हमें दिखा था। और अब क्योंकि इस फिल्म में सकीना यानी कि अमीषा पटेल जो कि गदर 2 फिल्म में हमें सकीना के रोल में देखने मिल रही है, वहाँ उनका सेम नेम होगा और उनका सेम नेचर भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें उनके लुक की, तो उनका लुक भी उनके नाम की तरह ही काफी सिंपल तरह का डिफाइन किया जाएगा। और वहीं वो गदर पार्ट 1 में वो सिंपल ट्रेडिशनल लुक में दिखी थी सलवार सूट में, तो वहीं वो गदर 2 के शूटिंग के वक्त हुई पिक्चर्स लीक जहां वो नजर आ रही थी सेम ट्रेडिशनल सिल्वर सलवार। बता दें इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा हमें मेन लीड्स की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और वहीं दूसरी ओर अनिल शर्मा हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है 2023 में ये इस फिल्म को रिलीज किया जाए। तो आपके क्या विचार हैं इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर? एक सच्चा घूमता है
तो उसकी सत्ता शुरू होती है। मुंबई से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते पे नाकाबंदी लगा दो, मुंबई से बाहर निकाला नहीं पाजे। उसका धर्म सिर्फ पैसा। बाथरूम में क्यों छोड़ दिया था सनी ने गदर फिल्म के लिए मिला अवार्ड, किस वजह से नहीं किया था गदर को अवार्ड लिस्ट में शामिल, क्या एडवाइस दी है अनिल शर्मा को गदर 2 के लिए। सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ के साथ साथ बॉलीवुड में अपने गुस्से के लिए भी काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो किसी की बात नहीं सुनते। सनी देओल ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अब तक गदर, घायल, त्रिदेव सहित कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। सनी को फिल्म जगत में एक एक्शन अभिनेता के तौर पर जाना जाता है। सनी ने अपनी फिल्म गदर में तो पड़ोसी मुल्क का हैंडपंप ही उखाड़ दिया था। उनके साथ इस फिल्म में अमीषा पटेल ने काम किया था। ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। लेकिन इस फिल्म के लिए अवार्ड लेने एक फंक्शन में पहुंचे सनी देओल ने कुछ ऐसा किया था जिसने सभी को हैरान कर दिया था। दरअसल सनी देओल को फिल्म गदर के लिए बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चाइन्स अवार्ड को सम्मानित किया गया था, लेकिन सनी को ये अवार्ड पसंद नहीं आया था और वो अवार्ड को बाथरूम में छोड़कर ही चले गए थे। वैसे सनी देओल सहित बॉलीवुड के कई कलाकार ऐसे हैं जो अवार्ड्स मिलने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते और ना ही वो किसी अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनते हैं। सनी देओल की तरह उनके पिता धर्मेंद्र को भी अवार्ड्स पसंद नहीं। चलिए जानते हैं कि बाथरूम में अवार्ड छोड़ने की सनी की क्या वजह थी। जी टेलीविजन के पूर्व CEO संदीप गोयल ने अपनी किताब ऑनेस्ट टू गॉड में इस बात का जिक्र किया था कि आखिरकार सनी ने अपना अवार्ड बाथरूम में क्यों छोड़ा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि साल 2001 में आई फिल्म गदर का निर्माण जी टेलीफिल्म्स ने ही किया था। इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन भी जी ने ही करवाया था। हालांकि जब फिल्मों में अवार्ड देने की बारी आई तो लिस्ट में आमिर खान की फिल्म को शामिल किया गया, लेकिन सनी देओल की फिल्म गदर इस लिस्ट से बाहर थी। दरअसल जी ने इस सनी देओल की फिल्म गदर का निर्माण किया था और यही वजह थी कि फिल्म को इस अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं किया गया था। इस अवार्ड फंक्शन में आमिर खान की फिल्म लगान को बेस्ट फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी के साथ आमिर खान को बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। सनी देओल भी इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए थे और उनके सामने ही ये अवार्ड आमिर लेकर जा रहे थे। जी टेलीफिल्म्स के पूर्व CEO संदीप गोयल ने अपनी किताब में ये बताया है कि सनी देओल जब इस अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए तो उन्हें कुछ लोगों ने भड़का दिया कि उन्हें इस शो में बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। संदीप गोयल का कहना है कि इस अवार्ड फंक्शन में सनी देओल के लिए एक खास अवार्ड रखा गया था। उनका ये अवार्ड बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर चॉइस अवार्ड था। इस अवार्ड को लेने के लिए सनी देओल मंच पर आए भी, लेकिन उन्हें अवार्ड लेने के बाद वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। डॉक्टर संदीप ने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें शो के बाद ये सूचना मिली कि सनी देओल अपना अवार्ड बाथरूम में ही छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ कि सनी देओल ने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनकी और सनी देओल की कभी मुलाकात नहीं हो पाई। संदीप गोयल की किताब के अनुसार सनी देओल को उसी वक्त से अवार्ड फंक्शन और अवार्ड देने की इस प्रक्रिया से नफरत हो गई और यही वजह है कि वो अब किसी अवार्ड फंक्शन में शामिल नहीं होते। वैसे सनी देओल के साथ आमिर खान और कंगना जैसी कई सितारे हैं जो अवार्ड मिलने में यकीन नहीं रखते। अगर ऐसा ही रहा तो क्या सनी की फिल्म गदर 2 अपनी नई कहानी नई कास्ट के लिए अवार्ड ले पाएगी? जो दुख सनी को गदर की पहली फिल्म में हुआ, क्या अब की बार ये घाव पर मरहम लगा पाएगा? आपको बता दें कि उम्मीद की जा रही है कि मरहम लगा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम फिल्म को अवार्ड ना मिलने की गहरी दो वजह थी। एक तो इसकी कहानी जिस पर पहले ही मूवी बनाई जा चुकी थी और दूसरी वजह थी आमिर खान। जी हाँ, क्योंकि गदर के साथ लगान भी रिलीज हुई थी। तो अब की बार उम्मीद करते हैं कि अनिल शर्मा ये गलतियां दोहराएंगे नहीं, क्योंकि गलतियां सीखने के लिए होती हैं, दोहराने के लिए नहीं। अब जब भी गदर 2 सिनेमा पर आए तो एक ओरिजिनल कहानी के साथ आनी चाहिए और साथ ही जब अनिल इसकी रिलीज डेट फाइनल करेंगे तो ध्यान रखें कि आसपास इनकी कास्ट और कहानी को टक्कर देने वाला कोई नहीं हो।
अब ये मत कहना आप लोग कि अनिल शर्मा की कहानी को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता या उनकी कहानी के आगे सब पानी भरते हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि कई बार जोश से नहीं होश से काम कर लेना पड़ता है, अगर अवार्ड विनिंग फिल्म बनानी है तो ये सब सोचना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या अनिल शर्मा को हमारी तरफ से दी गई एडवाइस गलत है या नहीं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में आप सही कर दीजिए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। कौन कर रहा है काले कावा का रिक्रिएशन? क्या बॉलीवुड किंग बनना चाहते हैं सनी देओल? ऐसा कौन है सनी पाजी के करीब जो कराएगा गदर 2 को हिट? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो को। उर्जा काले कावा एक ऐसा गाना है जिसने साल 2002 में हर किसी के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। अपनों से बिछड़ जाने का दुख, दर्द और लौट आने की उम्मीद इस गाने की आत्मा में बसी है। ये गाना 2002 में मूवी रिलीज होने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। लोगों की जुबा पर राहों पे चलते ये गाना सुनने में आ जाया करता था। इस बात का खास ख्याल रखते हुए अनिल शर्मा और सनी देओल ने डिसाइड किया है कि गदर 2 में ये जुदाई का सॉन्ग भी दोबारा ऐड किया जाए। उर्जा काले कावा का रिक्रिएशन इस मूवी में देखने को मिलेगा। गाने में नई फ्रेशनेस और फील लाने के लिए इसे हाई बजट और इमोशन बेसिस पर शूट किया जाएगा, जिसके लिए जुबिन नौटियाल को चुना गया है। जुबिन बहुत ही फेमस और रोमांटिक सॉन्ग गाने वाले मशहूर सिंगर हैं। उनकी आवाज सुनते ही फैंस का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उनकी मीठी आवाज में ये गाना सुनना बहुत ही मजेदार और इमोशनल रहेगा। साथ ही बता दे कि बीजेपी के मेंबर बनने के बाद और इलेक्शंस में जीतने के बाद सनी देओल ने लॉकडाउन के रहते बॉलीवुड इंडस्ट्री में कमबैक किया है। इस कमबैक की वजह ये रही है कि वो एक एक्टर होना बहुत ही मिस कर रहे हैं। शूटिंग, एक्टिंग, लाइटिंग, कैमरा और उनके धमाकेदार डायलॉग्स और एक्शन मूवीज को वो बहुत मिस कर रहे थे। और गदर 2 की बात जैसे ही उन तक लाई गई तो उन्होंने इस मौके को गवाने की बजाय इस मौके का स्वागत किया और मूवी को बनाने में लग गए। सनी देओल ने अपने फैंस का दिल जीता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पहचान एज एन एक्टर कभी भूली जाए। फिल्म की मेकिंग के दौरान एक बड़ी अपडेट ये भी है कि सनी पाजी के चहेते और सबसे करीबी दोस्त टीनू वर्मा जी हैं और वो इस मूवी को बेहतर बनाने के लिए सनी पाजी का साथ देने वाले हैं। उनका कहना है कि एक दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा। सनी देओल के लाइफ टाइम करियर और उनकी लाइफ में इनका बहुत ही खास योगदान बताया जाता है। उन्होंने सनी पाजी की फिल्मों में काम किया है, उनमें से एक थी 2001 की मूवी गदर एक प्रेम कथा। मूवी के हर एक्शन सीन्स और सही और दमदार होने का क्रेडिट आज भी सनी देओल टीनू जी को ही देते हैं, क्योंकि सारे स्टंट और एक्शन रोल्स इन्होंने अपने तरीके से संभाले और किए थे। और इस बार भी विशेष भूमिका सनी देओल के ये खास दोस्त टीनू वर्मा निभाने वाले हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इस फिल्म की कहानी, कौन करेगी इस फिल्म को डायरेक्ट, क्या ये फिल्म इस जनरेशन को पसंद आएगी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म गदर 2 अनिल शर्मा की अपकमिंग फिल्म है। अनिल शर्मा की इससे पहले फिल्म थी जीनियस। अनिल शर्मा अपने साथ ला रहे हैं गदर 2, जो कि गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल रहने वाली है। इस फिल्म में गदर के एंड 20 साल बाद क्या हुआ ये दिखाया जाएगा। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही है और इस फिल्म में हमें अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा भी दिखाई देंगे। इस फिल्म की कहानी में शकीना उर्फ अमीषा पटेल को लैकमाइन हो जाता है और इस बीमारी का इलाज भारत में नहीं होता, इसलिए तारा सिंह शकीना को लेकर लंदन जाते हैं। वहां तारा को एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर खबर आती है कि तारा की माँ को किसी ने जहर देकर मार दिया है और बाद में शकीना भी मर जाती है, जिससे तारा सिंह को शक होता है कि कहीं किसी ने शकीना को जहर देके तो नहीं मारा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको सिनेमा हॉल में जाना होगा। इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज सनी देओल ने 2020 में की थी। सनी और अमीषा के फैंस इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इस फिल्म का सीक्वल काफी लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये फिल्म इंडिया पाक के पार्टीशन के दौरान बनाई गई थी। उस समय लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया था और ये फिल्म भी सबको इमोशनल कर देती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और काफी अच्छे कलेक्शन किए थे। और अब देखना होगा कि क्या ये फिल्म इस टाइम पे 300 करोड़ के ऊपर जा सकती है। गदर एक प्रेम कथा ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे
और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया था। इस फिल्म की वजह से पूरे कास्ट और क्रू का करियर चेंज हो गया था, और खास करके सनी देओल और अमीषा पटेल, क्योंकि उन्हें 50 लड़कियों में से इस रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था। अमीषा पटेल की ये फिल्म काफी समय बाद आ रही है, इसलिए देखना ये होगा कि अमीषा फिर से इस फिल्म में अपने किरदार पर कितना खड़ी उतरती है या नहीं। ये फिल्म 2022-23 में रिलीज हो सकती है। पेंडेमिक के कारण इस फिल्म की शूटिंग में थोड़ी देर हो गई। ये फिल्म भी जी प्रोडक्शन ही प्रोड्यूस करेगी, और पहली फिल्म के सक्सेस के बाद इस फिल्म का बजट और भी बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस रहेगा कि हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देगी, कौन इस फिल्म में विलन होगा और कौन इस फिल्म में एज कैमियो करेगा। लेट अमरीश पुरी ने इस फिल्म के सीक्वल में काफी अच्छा रोल किया था, और ये अपने नेगेटिव रोल के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। क्या 1971 में मेजर जनरल ने खुद अपनी टांगे काटी थी? क्या उत्कर्ष शर्मा भी मेजर जनरल के रोल में नजर आएंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। 2001 में मूवी आई थी, नाम था गदर एक प्रेम कथा। वो कहते हैं ना कि नाम बड़े पर दर्शन छोटे, लेकिन इस मूवी के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जितना इस मूवी ने गदर मचाया आज तक किसी मूवी ने नहीं मचाया था। अगर आज के समय से गदर की कमाई को तोला जाए तो मूवी ने 500 से ऊपर की कमाई की थी। अब इसका सीक्वल आ रहा है और दोबारा से गदर मचाने के लिए बेताब है। 2001 में आई मूवी की कहानी साल 1947 भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर बेस्ड थी। तो वहीं अब खबर आ रही है कि सीक्वल की कहानी साल 1971 भारत पाकिस्तान के बीच हुए रिवॉल्ट के बैकग्राउंड पर होगी। जहां पहले पार्ट में सनी अपनी प्रेमिका के लिए पाकिस्तान जाते हैं, वहीं इस बार तारा सिंह का बेटा यानी जीते भी दुश्मन का रास्ता लांघकर तारों के नीचे से घुसेगा पाकिस्तान में, लेकिन प्यार मोहब्बत इश्क के लिए नहीं, बल्कि अपनी धरती माँ अपने देश के लिए एक खुफिया एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में रहेगा। और ऐसा ही कुछ 1971 में एक मेजर आर्मी ने किया था। उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो मेकर्स इतने इंस्पायर्ड हो गए इस कहानी से और बना डाला गदर 2? आइए इस बारे में बड़े विस्तार से जानते हैं, और जानते हैं कि रियल वाले मेजर का रोल क्या प्रॉपर तरह से अदा कर पाएंगे डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा। 16 दिसंबर का दिन भारत के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए काफी यादगार है। ये दिन जहां भारत और बांग्लादेश को गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका देता है, तो वहीं पाकिस्तान का सिर शर्मिंदगी से नीचे झुका देता है। भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, जिसके रिजल्ट में ये हुआ कि बांग्लादेश नाम का एक अलग देश का जन्म हुआ, जिसे उस समय पर ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। भारत पाकिस्तान पर जीत का जश्न विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और ऐसी लड़ाई में एक मेजर जनरल था जिसे युद्ध के दौरान पैर में गोली लग गई थी, और ऐसी नौबत आ गई थी कि उसे अपने पैर को काटना पड़ा। अगर पैर नहीं काटते तो जान निश्चित थी, और इस जनरल मेजर का नाम सगत सिंह था। और सगत सिंह का रोल अदा करने वाले उत्कर्ष शर्मा मूवी में ये खुद अपनी एक टांग को काटते नजर आने वाले हैं। मतलब जब हम इस तरह के सीन्स बस पर्दों पर देखते हैं, तब हमें गूजबम्स आ जाते हैं, दिल दहल सा जाता है, लेकिन जिस पर ये बीतती है वो कैसे खुद को संभालता होगा? वरना यहाँ हल्की सी उंगली कटी नहीं कि लोग राय का पहाड़ बना देते हैं। और सगत सिंह ने भारत माता के लिए इतना कुछ किया। इन सब कहानी को अनिल शर्मा अपना टच देकर मूवी बनाने की तैयारी में है। ऐसे अभी तो मूवी को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है कि कब रिलीज होगी या मूवी का ट्रेलर कब आएगा। बस इतना पता चल पाया है कि मूवी की 80% शूटिंग हो चुकी है, और जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगी तब उसके अगले महीने तक मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। वेल दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या उत्कर्ष शर्मा बखूबी निभा पाएंगे सगत सिंह का किरदार? आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कितने दिन तक चलेगा गदर 2 में रिवॉल्ट, कितने लोग शामिल होंगे इस रिवॉल्ट में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा।
ये खबर हिंदुस्तानियों के लिए तो है ही, पाकिस्तानियों के लिए भी है। और सभी पाकिस्तानी भाइयों को सूचित किया जाता है कि अपने घर के हैंडपंप नले थाम कर सभी संभाल के रख ले, कानों में डालने के लिए रुई का इंतजाम भी करके रख ले, क्योंकि तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने वाला है। क्यों? क्योंकि गदर 2 आ रही है। बता दें दर्शकों, इस बार की गदर 2 1971 के इंडिया और पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है। और इस मूवी में तारा सिंह का बेटा आर्मी मैन बना है, जो पाकिस्तान से अपने इंडिया को बचाएगा। मूवी में हमें ये देखने को मिलेगा कि जीते अपनी बाकी आर्मी फोर्सेस के साथ रिवॉल्ट करने वाला है। अगर एक्चुअल वॉर की बात करें तो ये युद्ध केवल 13 दिनों तक चला और ये इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से एक माना जाता है। लेकिन इसी 13 दिन में जीते को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और वो ये कि जीते को पाकिस्तान जाना होगा तारों के नीचे से, और पाकिस्तान जाकर वो एक खुफिया एजेंट की तरह रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री बैटल 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक हुआ। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को घुटनों पर लाकर उसके 93,000 सैनिकों को कब्जे में लिया और बांग्लादेश के 7.5 करोड़ लोगों को आज़ादी दिलाई। ईस्टर्न पाकिस्तान की बंगाली आबादी के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए जा रही मैसकरे को खत्म करने के लिए इस युद्ध में भारत के 3,000 सैनिक शहीद हुए, साथ ही साथ पाकिस्तान के 8,000 सैनिकों की मौत हुई। युद्ध के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली, और ये सब कुछ गदर 2 में भी हमें देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको 3,000 से भी ज़्यादा लोग नजर आएंगे, क्योंकि ये एक दो देशों के बीच बैटल है। तो मेकर्स को ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बैटल का हिस्सा बनाएं, तब जाके एकदम रियलिस्टिक वाली फीलिंग आएगी। गदर 2 के मेकर्स इस बार पहली गदर से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जब भी किसी मूवी का सीक्वेंस आता है तो मेकर्स पर ज़्यादा प्रेशर बना रहता है, क्योंकि फैंस और भी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस तब और बढ़ जाती है जब सीक्वेंस की पहली फ्रेंचाइजी ब्लॉकबस्टर रही हो। तो ये ऑब्वियस है कि फैंस को दूसरे पार्ट से तो उम्मीदें भरपूर होगी। तो बस मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा पूरी एरी चोटी का दम लगा रहे हैं मूवी को फैंस के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उतारने के लिए। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। क्या टिप दी थी नवाज ने गदर 2 के हीरो को? क्यों छोड़ना पड़ा था उत्कर्ष को गदर 2 के लिए देश? Hi everybody, this is Prachi, your host for today with another interesting video. Director Anil Sharma की फिल्म गदर को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल हमें दिखाई दिए थे, साथ ही साथ ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। लोगों को इस फिल्म की कहानी बेहद पसंद आई थी। सनी देओल को पाकिस्तान में गदर मचाते दिखाया गया, जो दर्शकों को खूब भाया। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे का किरदार निभा रहे थे चाइल्ड एक्टर उत्कर्ष शर्मा। मूवी में उत्कर्ष शर्मा का नाम चरणजीत था और लोगों को इनका किरदार खूब पसंद आया था। उत्कर्ष शर्मा अब 27 साल के हो चुके हैं और काफी हैंडसम दिखते हैं। वहीं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दें कि उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं। गदर फिल्म का असर ऐसा था कि इस फिल्म ने सनी देओल और अमीषा पटेल के करियर को एक बड़ा उछाल दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा था? तो वो थे उत्कर्ष। उत्कर्ष ने इस फिल्म से जब पॉपुलैरिटी गेन कर ली तो अनिल शर्मा ने उन्हें उनकी पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। वो वहाँ पे 4 साल रहे। वहाँ से लौटने के बाद उन्हें बतौर हीरो लॉन्च करने पर काम शुरू हुआ। फिल्म जीनियस से उन्होंने डेब्यू किया, बट फिल्म से कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। अब उत्कर्ष जल्द ही गदर 2 के सीक्वल में हमें नजर आने वाले हैं। एक सैनिक की भूमिका में उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं और उन्हीं को बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुस जाएंगे। हम तो उत्कर्ष को सोल्जर के किरदार में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मैं प्राची आपसे लेती हूँ अलविदा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या गदर की रियल स्टोरी पर ये बेस्ड है गदर 2? गदर 2 की कहानी कैसे मिलती है बजरंगी भाईजान की कहानी से? हाय एवरीबॉडी, दिस इज प्राची, योर होस्ट फॉर टुडे विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो।
साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा उस समय की बहुत ही चर्चित फिल्म थी जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया था। इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे। वही इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे पे लव स्टोरी पर बेस्ड थी। गदर में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की प्रेम कहानी को दिखाया गया है जो एक असली कहानी से प्रेरित थी। ये कहानी है बूटा सिंह और जैनब की। ये वही समय है जब देश बंटवारे की आग में जल रहा था। बता दे, एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था तभी उसकी नजर अचानक एक लड़की पे पड़ती है जो भागी दौड़ी उसकी तरफ आ रही थी और कुछ लड़के उस लड़की के पीछे पड़े थे और वो लड़की बूटा सिंह से मदद मांग रही थी। और ये कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में था। जब उस लड़की को फिर उस बूटा सिंह से प्यार हो जाता है और आगे चलकर वो दोनों शादी कर लेते हैं और बाद में उन्हें एक बच्ची होती है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वाले को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है, जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के रिफ्यूजी कैंप में रखने के बाद उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा सिंह और उसकी बेटी हिंदुस्तान में रह जाते हैं। आगे चलकर जैनब और बूटा की कहानी और दर्दनाक मोड़ तब ले लेती है जब बूटा पाकिस्तान पहुंच जाता है जैनब से मिलने। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है। वहां पे बूटा उसे काफी मिन्नतें करता है उसके साथ हिंदुस्तान चलने के लिए, पर जैनब उसे मना कर देती है। जैनब के ना कहने से टूटा बूटा लाहौर के ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। लेकिन गदर की कहानी को रियल कहानी से हटकर बनाने के लिए इसमें तारा को फौजी नहीं बनाया गया और न ही सकीना की जैनब की तरह दूसरी शादी करवाई गई। गदर में प्यार और फैमिली के लिए सारी हदों को पार करते हुए दिखाया गया है। गदर 2 जब आ रही है तो उसमें उत्कर्ष उर्फ जीते एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे देखकर ये कहीं ना कहीं लग रहा है गदर 2 की कहानी भी पहले पार्ट से इंस्पायर्ड है। गदर 2 की कहानी की शूटिंग हिमाचल में स्टार्ट कर दी गई है क्योंकि पहले पार्ट की कहानी में बूटा सिंह एक सैनिक था और अब उत्कर्ष एक सैनिक है। तो इस कहानी में ये हो सकता है जब वॉर के टाइम जो लोग पाकिस्तान के हिंदुस्तान रह गए थे उन्हें जीत एक अच्छे सिपाही की तरह वापस उनके देश छोड़ कर आएगा और वहाँ पहुँच कर जीते को खुफिया जासूस समझकर हिरासत में ले लिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था बजरंगी भाईजान में, जब सलमान खान मुन्नी को छोड़ने जाते हैं तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं, अगर बजरंगी भाईजान के पास देश का साथ था तो जीत के पास उसके पिता का साथ है और उनके पिता का किरदार निभाने वाले हैं सनी देओल। लेकिन ट्विस्ट तो तब आएगा जब पाकिस्तानी सरकार को ये पता चलेगा कि तारा कोई आम इंसान नहीं है। ये वही सकीना का पति है जो उसे सरकार के नाक के नीचे से ले गया था और अब तो बात उसके बेटे की है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अभी तो सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसे लोगों ने ढेर सारा प्यार भी दिया था और जिसे लोगों ने खूब सराहा भी था। इसी के साथ आपको बता दें कि इस जोड़ी को भी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था और अब 20 साल पूरे होने पर इस फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है जो कि है गदर 2, जिसमें इस जोड़ी की वापसी करते हुए आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। फिलहाल गदर 2 की पूरी टीम हिमाचल में रुकी हुई है और हिमाचल की हसीन वादियों में इसका शूट किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म के एक्टर यानी कि सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमेज शेयर की है जहां उन्हें तारा सिंह के अवतार में देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म की पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जब उन्होंने वो इमेज शेयर की उन्होंने उसके साथ एक कैप्शन भी लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ भाग्यशाली लोगों के ही ऐसे अद्भुत पात्रों को जीने का वापस मौका मिलता है और साथ ही 20 साल बाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं तारा से। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ इसके पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी होने के बाद। इस पोस्ट को देखते हुए सनी देओल के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि पाजी अब जल्दी से शूटिंग खत्म कीजिए क्योंकि हम आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म यानी कि गदर 2 रिलीज होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी कहा कि फिल्म की शूटिंग हिमाचल में हो रही है तो यह पालनपुर के एक छोटे से गाँव भलेड़ में हो रही है, जिसके लिए मेकर्स ने एक प्रॉपर्टी मालिक से उनकी प्रॉपर्टी को किराए पर लेने के लिए 11,000 में बात की। लेकिन अब प्रॉपर्टी के मालिक ने लाखों का बिल थमा दिया है। प्रॉपर्टी मालिक का कहना है कि इन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है।
प्रॉपर्टी मालिक का ये दावा है कि मेकर्स ने उन्हें सिर्फ 3 कमरे और 1 हॉल की बात की थी, जिसके लिए उन्होंने 10 दिन का किराया 11,000 लगाया। लेकिन अब उनका कहना है कि मेकर्स उनके पूरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी शूटिंग में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली के बीच काफी कुछ दिक्कतें आई है, और इसीलिए उन्होंने गुस्सा होकर के मेकर्स को लाखों का बिल थमा दिया है। लेकिन इसके बारे में मेकर्स की तरफ से या तो उसके एक्ट्रेस की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे हैं। शूटिंग से जुड़ी कुछ पिक्चर्स और हिमाचल में आनंद लेते हुए कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वो हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। इसी दौरान सनी के पिता यानी कि धर्मेंद्र ने अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा कि आपको स्नो का आनंद लेते हुए देख बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरा ढेर सारा प्यार और आप अपना ध्यान रखना। वाकई फोटो में सनी ने काले कलर का कैप पहना और अपने गले में मफलर पहने और उनके सर पर और उनके आसपास ढेर सारी बर्फ पड़ी हुई नजर आ रही है, और वाकई में इसमें सनी शानदार लग रहे हैं। इसी के साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी गदर 2 की टीम फिलहाल हिमाचल 2 की कहानी हो गई है लीक। क्यों जाएंगे आखिर तारा पाकिस्तान? क्या होगा फिल्म में जीते का रोल? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आजकल सिर्फ 2 ही चीजें चर्चा में है, एक कोरोना का सेकेंड पार्ट ओमिक्रॉन और गदर का दूसरा पार्ट गदर 2। तो बस बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इसी चर्चाओं को बरकरार रखते हुए अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें सनी देओल और अमीषा पटेल जैसे सितारे दिखाई देंगे। फिल्म गदर 2 में सनी देओल के साथ उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे, जो गदर में दिखाई दिए थे। फिल्म गदर के पहले पार्ट में सनी देओल अपनी पत्नी के लिए पाकिस्तान गए थे और बॉक्स ऑफिस हिल गया था। फिल्म गदर 2 में भी सनी देओल फिर से पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इस बार वो दूसरी वजह के चलते सीमा पार करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी 1970 और 1971 में हुई भारत पाकिस्तान लड़ाई के आसपास घूमती दिखाई देगी। 1971 के भारत पाक युद्ध का पहला बीज 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही बो दिया गया था। अब तारा और जीते सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी लड़ेंगे। दोस्तों बता दें कि उत्कर्ष शर्मा फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभाते दिखेंगे, जिनकी जान बचाने के लिए सनी देओल पाकिस्तान में घुसेंगे। गदर के पहले पार्ट में दर्शकों को तारा और सकीना की लव स्टोरी दिखाई गई थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आसपास घूमती इस फिल्म की कहानी में अनिल शर्मा ने खूबसूरत लव स्टोरी पिरोई थी, जिसे दर्शकों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। दोस्तों गदर 2 में अनिल शर्मा 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई दिखाने वाले हैं। इसमें उत्कर्ष शर्मा भारतीय सैनिक का किरदार निभाएंगे और इस लड़ाई के दौरान तारा सिंह के बेटे की जान पर बनाएगी, क्योंकि तारा का बेटा जीते हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होगा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पाकिस्तान में फंस जाएगा, जैसे कि रियल लाइफ में कई बार हो चुका है। लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग जीते को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें लगेगा कि ये कोई जासूस है। पाकिस्तानी सरकार अपनी सुरक्षा को देखते हुए जीते के साथ बुरा व्यवहार करेगी, जो उसके पिता तारा को पसंद नहीं आएगा, और बस जिसके बाद वो उसे बचाने के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। फिल्म गदर 2 की कहानी से लगता है कि अनिल शर्मा पिता और बेटे के रिश्ते को बड़े पर्दे पर दिखाने के मूड में है। वो अपने बाप बेटे के रिश्ते को पहले भी फिल्म अपने में दिखा चुके हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। वो एक बार फिर से यही फॉर्मूला आजमाने जा रहे हैं। दोस्तों आपके अनुसार अनिल शर्मा इस बार कामयाब होंगे या नहीं, हमें जल्दी से अपनी राय कमेंट्स में बता दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। हसी वादियों में कैसी नजर आई सकीना? कौन सा वीडियो शेयर किया अमीषा ने? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं बड़ा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। भारत में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं खूबसूरत जगहों में से एक है हिमाचल प्रदेश, जो अपनी सुंदरता, पर्यटन स्थल और आकर्षक जगहों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ की झीलें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्राचीन मंदिर पर्यटकों का बहुत ही आकर्षित करते हैं। ये एक बेहद ही पसंदीदा स्थल है जहाँ हर साल लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि हिमाचल ऐसी जगह जहाँ आप धरती पर तो होंगे लेकिन स्वर्ग की अनुभूति जरूर होगी। यहाँ की हसीन वादियाँ, खुला आसमान में गदर 2 शूटिंग चल रही है। तो चलिए अब हसीना सकीना की हिमाचली अंदाज वाली वीडियो पर आते हैं और बताते हैं कि उनकी वीडियो में क्या क्या दिख रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी मूवी गदर 2 के लिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में शूटिंग कर रही है। गदर 2 में एक बार फिर तारा सिंह और सकीना की जोड़ी नजर आने वाली है। मूवी में उनके साथ काम कर रहे हैं एक्टर सनी देओल भी उनके साथ समय पालमपुर में है।
इस दौरान अमीषा पालमपुर की प्राकृतिक खूबसूरती देख बेहद एक्साइटेड है। पालमपुर के खूबसूरत पहाड़ों के बीच से अमीषा ने वीडियो शेयर किया है जिसमें यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। अमीषा पटेल ने ट्वीट कर ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पालमपुर की खूबसूरत वादियाँ और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते बन रही है दर्शकों। वीडियो शेयर करते हुए अमीषा ने लिखा है, पालमपुर की सुबह एक वीडियो जरूर डिजर्व करती है। 6:40 प्रकृति की सुंदरता, कम कपाती ठंड लेकिन बेहद शांत। इस वीडियो में अमीषा किसी पूल पर खड़ी सामने झरझर बहती पानी और खूबसूरत वादियों को निहार रही होती है। वीडियो के बैकग्राउंड में प्रार्थना की आवाज़ सुनाई दे रही है। फैंस इस वीडियो पर रिप्लाई करते हुए पालमपुर की खूबसूरती की तारीफें कर रहे हैं। बता दें कि लंबे समय बाद अमीषा पटेल बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। अमीषा मूवी गदर 2 के दूसरे कलाकारों के साथ पालमपुर में शूट कर रही है। वहीं इस मूवी को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल मूवी की शूटिंग पालमपुर के जिस घर में हुई है वहाँ पर पैसे के लेन देन को कुछ विवाद खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक शूटिंग के दौरान वहाँ बने चाय के बागान को नुकसान पहुँचाया गया है। वहीं घर के मालिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूरे पैसे नहीं दिए गए हैं, साथ ही उनकी अनुमति के बिना ही घर के दूसरे हिस्से में शूटिंग की गई है। वेल दर्शकों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर। पहले ही क्यों गदर 2 फंसी विवादों में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, बॉलीवुड के हिट एंड फिट एक्टर सनी देओल और एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं गदर 2 की शूटिंग शुरू होने के साथ ही ये फिल्म विवादों में आ गई है। गदर 2 की शूटिंग पिछले करीब 10 दिनों से हिमाचल प्रदेश में चल रही है। पालमपुर के पास स्थित भलेड़ गांव में इस फिल्म का शूट जारी है। दरअसल कांगड़ा में पालमपुर के भलेड़ गांव के जिस मकान में गदर 2 की शूटिंग चल रही है उसके मकान मालिक ने फिल्म के मेकर्स पर पैसे ना देने का आरोप लगाया है। घर के मालिक का आरोप है कि जितना पैसा कंपनी द्वारा शूटिंग के बाद दिया जाना था उसे देने के लिए कंपनी अब मना कर रही है। यही नहीं, मकान मालिक ने ये भी दावा किया है कि फिल्म की शूटिंग के लिए मात्र 3 कमरे और एक हॉल का इस्तेमाल किए जाने की बात हुई थी जिसका किराया 11,000 प्रतिदिन तय हुआ था। लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म के लिए पूरा घर ही बिजी कर दिया। उन्होंने शूटिंग के लिए फिल्म का पूरा घर बिजी किया, 2 कनाल जमीन और बड़े भाई का घर भी शूटिंग के लिए यूज किया और जब पैसे देने की बारी आई तो मना कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब घर के मालिक ने पूरा बिल यानी कि 56 लाख रुपए बनाकर जिसमें उसने अपना नुकसान भी ऐड किया था वो मेकर्स को दिया। मेकर्स भी बौखला गए, ये क्या हो गया। वहीं सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 की बात करें तो ये फिल्म साल 2001 में आई गदर का सीक्वल है। मूवी में दोनों ही स्टार्स ने लीड रोल प्ले किया था और अब गदर 2 में भी वही स्टार कास्ट नजर आने वाली है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म का सालों से इंतजार था। जब रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया, उसके साथ लगान भी रिलीज हुई और लगान को भी पीछे छोड़ दिया था गदर 2 ने। गदर के डायलॉग इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि आज भी सबकी जहन में जिंदा है। चलिए उन डायलॉग के बारे में आपको बता देते हैं। जब सनी देओल कहते हैं, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, मुझे मेरे बच्चों को उसकी माँ से मिलाने के लिए कोई ताकत कोई सरहद नहीं रोक सकती। वहीं ये डायलॉग अशरफ अली, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। वहीं एक डायलॉग में सनी देओल बोलते हुए नजर आते हैं, बनकर बेटी को विदा कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है, वरना अगर आज ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। वहीं ये डायलॉग सुनिए, दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपकी छत पर तिरपाल आई थी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। इस डायलॉग से सभी के गूज़बम्प्स उठ गए थे। वहीं दोस्तों एक डायलॉग था, अगर मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो सबके सर काट भी सकता हूँ। जब सनी देओल जोश और जुनून के साथ ये डायलॉग बोलते हैं तो सबके रोंगटे खड़े कर देते हैं। अब गदर 2 में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप कितना वेट करें गदर 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में। कैसा रहा है अमीषा पटेल का करियर ड्रॉप, किस फिल्म के बाद फ्लॉप रही उनकी फिल्में, क्या गदर 2 नहीं करना चाहती थी अमीषा। सनी देओल और अमीषा पटेल की सुपरहिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा के दूसरे पार्ट यानी कि गदर पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। उस समय ना सिर्फ फिल्म बल्कि इसके गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे। सेट से सामने आई फोटोज में सनी और अमीषा गदर 1 जैसे लुक्स में ही नजर आ रहे हैं। इसका पहला सीन सनी पर ही फिल्माया गया था। फिल्म में सकीना का किरदार निभाने वाली अमीषा लंबे समय बाद यानी लंबे ब्रेक बाद किसी फिल्म में नजर आने वाली है। अमीषा शायद पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी पहली 2 फिल्मों से
जितना स्टारडम कमाया है वो शायद ही किसी एक्ट्रेस ने अपने पूरे करियर में नसीब किया है। आज हम आपको अमीषा के बदलते हुए लुक्स और करियर्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अमीषा पटेल ने 18 साल के करियर में 40 से ज्यादा फिल्में की हैं, लेकिन इसके बावजूद अमीषा के करियर का ग्राफ कई सालों तक ऊपर नहीं रहा। गदर ने उनके करियर में ऐसे चार चांद लगा दिए मानो पूछो ही मत। 12 घंटे ऑडिशंस देने के बाद अमीषा को गदर पार्ट 1 की लीड एक्ट्रेस के तौर पर फाइनल किया गया था। हालांकि साल 2002 के बाद अमीषा का करियर ग्राफ लगातार गिरता ही गया। फिल्मों में सादे अंदाज में नजर आने वाली अमीषा असल जिंदगी में काफी बोल रही हैं। आजकल वो कई स्कूलों में एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स में अवार्डी गिविंग इवेंट्स और कभी कभार बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में दिखाई दे जाती हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अमीषा को फिल्म पाने और लाइमलाइट में रहने के लिए बोल्ड फोटोशूट तक का सहारा लेना पड़ रहा है। उसके अलावा अमीषा कई बार धोखाधड़ी के मामले में भी फंस चुकी हैं। हालांकि इन सब के बावजूद उनके लिए फैंस का प्यार वो कभी कम नहीं हुआ, चाहे जो हो जाए। फैंस हमेशा ही इस इंतजार में थे कि अमीषा एक दिन उन्हें गदर जैसी फिल्म में वापस दिखाई देंगी, वही जादू बिखेरेंगी वही जुनून के साथ। तो आप देखिए, मेकर्स और अमीषा ने उनके फैंस की पुकार फाइनली सुन ली और अमीषा गदर 2 जैसी क्या गदर 2 ही में ही वापस आ रही है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि गदर 2 के लिए अमीषा ने एकदम से हामी या नहीं भरी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद इस बार फैंस उन्हें पिछली बार जितना प्यार नहीं देंगे और ये फिल्म के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अमीषा फिल्म का हिस्सा भी बनी और शूटिंग भी शुरू कर दी? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, इसका आंसर जानने के लिए एक्साइटेड है, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे चैनल के साथ, यानी कि बॉलीग्राड स्टूडियोज को फटाफट सब्सक्राइब करना है और इसके अगले पार्ट के आने का इंतजार करना।